सर कॉपी पेन की जरूरत है? कॉपी पेन की तो आज जरूरत नहीं है, आज कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे सेशंस में बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो ठीक है आपको सर। खास चीज लगे वो नोट कर लो, क्योंकि मैं जो भी ट्रेनिंग करता हूँ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, और मेरी जो स्लाइड्स है उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट बहुत डिटेल में कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो अभी ओके ओके तो मुझे बताइएगा। नाउ इट इज 1:07 हो गया है। मैं अब शुरू करता हूँ। आई एम पुटिंग एवरीबडी ऑन म्यूट नाउ, ओके, सो किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होएगा। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वारामीर स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस, इसका मैं डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ इंजीनियर संजय गौड़ जी हैं, ही इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट और वो एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में उनको काफी एडवांसमेंट है, तो वो भी मेरे साथ इसके डायरेक्टर्स हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के अंदर रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा 2L03E00118 है। जो भी हम सर्टिफिकेट देंगे उसके ऊपर हमारा ये सर्टिफिकेट नंबर होगा। वारामीर जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हम लोग एजुकेशन में प्रोवाइड करते हैं। वी आर इन कंसल्टेंसी एजुकेशन के अंदर, स्पेशली वास्तु शास्त्र और केपी एस्ट्रोलॉजी हमारा मेन डोमेन है। तो हम लोग वास्तु शास्त्र, एस्ट्रो वास्तु, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का इंटरफेस होता है, उसके हिसाब से हम उसका भी कोर्स कंडक्ट करते हैं। कोर्सेज ऑनलाइन भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं, सेमिनार्स भी होती हैं। आजकल लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा हो रही हैं। और जो कोर्सेज पहले 4 महीने में 3 महीने में होते थे, जैसे जो वास्तु का कोर्स पहले मैं 4 महीने में कराता था तो 4 मंथ में वो क्लासेस वीकली होती थी एवरी संडे, तो हर संडे को अगर क्लास होती है तो 4 महीने में 16 क्लासेस होती थी। अब क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लोग अपने घर में हैं, तो मेरे पास रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि आप थोड़ा इसको फास्ट ट्रैक मोड में कर दो, बिकॉज नाउ दे कैन नॉट वेट फॉर फोर मंथ्स। तो अब जो कोर्सेज मेरे डिजाइन करे हुए हैं ये सब 21 दिन के अंदर खत्म होते हैं। 21 दिन में हर कोर्स का, जैसे कि वास्तु का 16 सेशंस होंगे, 3 क्लासेस होंगी, उसके बाद एक ऑफ डे होगा। तो 21 डेज में आप लोग 16 सेशन में पूरा वास्तु सीख पाओगे, जो कि अदरवाइज 4 महीना लगता है करने में। इसके अलावा हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वैदिक के अंदर एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, अष्टक वर्गा, न्यूमरोलॉजी, ये सब हम एजुकेशन में प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टेंसी हमारी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की है। और दिस मंथ हमारा एक प्रोडक्ट आ रहा है जिसका नाम है वास्तु टेक। ये पूरा वास्तु की दुनिया को एक तरह से रेवोल्यूशनलाइज कर देगा। सारा काम इसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। वन ओनली नीड टू एंटर द डिग्री ऑफ देयर हाउस, उसके बाद जो उसकी पूरी इमेज है उसके अंदर सारी जो ग्रिड्स बनती हैं, एक्टिविटी का प्लेसमेंट होता है, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट होता है, वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। और कौन सा रूम गलत डायरेक्शन में बन गया है, जैसे किचन अगर किसी की गलत डायरेक्शन में बन गई है तो हमारा सॉफ्टवेयर उस पर मार्क कर देगा कि ये किचन गलत डायरेक्शन में है, और सजेशन भी देगा कि किचन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। किसी ने वॉशिंग मशीन गलत डायरेक्शन में रख दी है तो सॉफ्टवेयर विल एडवाइज कि दिस इज ए रॉन्ग डायरेक्शन फॉर द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की वो ऑल्टरनेट भी जगह भी सजेस्ट करेगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द सर्विसेज वी प्रोवाइड। नाउ वी कम टू द मेन पार्ट, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो है मेगा वास्तु। ये मेगा वास्तु हमारा 21 दिन का प्रोग्राम है जैसा मैंने अभी आपको बताया, और ये 23 मई से शुरू हो रहा है, 23 मई से। इसके टोटल 16 सेशंस होंगे और इसके अंदर वो पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा जो कि हम लोग 4 मंथ्स में करते हैं। इस कोर्स में हमारा जो डिलीवरेबल होगा, एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट पे वो नंबर होगा जो मैंने आपको बताया है।
पूरे कोर्स का एक स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आपको मेल के द्वारा भेज दिया जाएगा, और उस पे वास्तु की बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारियां होंगी। और जितने भी सेशन होंगे, 16 सेशंस होंगे, इन 16 सेशंस की रिकॉर्डिंग्स आपको भेजी जाएगी, जिससे कि कभी आपका कोई सेशन मिस हो जाता है तो वो रिकॉर्डिंग आप बाद में भी देख सकते हो। और इवन अदरवाइज आल्सो आफ्टर 3 मंथ, इफ यू फील कि उस सब्जेक्ट पे मुझे दोबारा कुछ सुनने की जरूरत पड़ रही है, तो दैट सेशन आप कभी भी सुन सकते हो। तो ये सब हम आपको देंगे, और इसकी फीस हमने अभी बहुत कम रखी है, मात्र 9,500। और ये क्यों इतनी कम है, ये मैं अभी आपको आगे इसको बताता हूँ। अब आप ये सोचोगे कि इतने सारे वास्तु कोर्स है, वाई शुड आई गो फॉर मेगा वास्तु कोर्स? ठीक है, मेगा वास्तु कोर्स में ऐसी क्या खास बात है कि मैं मेगा वास्तु कोर्स से अपना 21 दिन का कोर्स करूं और अपने एफर्ट लगाऊं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल जो मार्केट के अंदर वास्तु के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, वो अलग अलग चल रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम कहते हैं एम वास्तु, और एक स्कूल ऑफ थॉट होता है जिसको हम कहते हैं वैदिक वास्तु। एक तीसरी भी चीज वास्तु के अंदर चल रही है, जिसके अंदर वो पिरामिडोलॉजी के थ्रू चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो फेंग शुई से वास्तु करते हैं। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड नहीं है, अलग अलग कोर्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वो अलग अलग अपनी अपने जिस भी थ्योरी पे उनका विश्वास है उसके हिसाब से वो पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी ऐसे स्कॉलर के पास जाओगे जो संस्कृत में या थोड़ा क्लासिक्स में ज्यादा यकीन करता है, तो वो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएगा पूरी। मॉडर्न वास्तु के बारे में अपने स्टूडेंट्स को वो नॉलेज नहीं दे पाते हैं, और उनके पास खुद भी उसका ज्ञान नहीं होता है। दूसरा, आप लोगों ने आजकल एम वास्तु के बारे में सुना होगा। एम वास्तु वाले बहुत एग्जॉर्बिटेंटली हाईली चार्ज करते हैं, पर वो लोग सिर्फ एलिमेंट बैलेंसिंग का पढ़ाते हैं। ये प्रणव व्यास कौन है? Who is Pranav Vyas? ठीक है, तो कुछ लोग आपने देखा होगा, तो अलग अलग थॉट ऑफ स्कूल है। तो वैदिक वाले जो विश्वास करते हैं, वो लोग विश्वास करते हैं बिल्डिंग के प्लॉट का साइज कैसा है, मतलब उसकी शेप कैसी है, फिर वो उस बिल्डिंग का मर्म स्थान निकालते हैं, उसका जो पद विन्यास वगैरह निकालते हैं, जिसको कि एकाशिति पद, 9x9 की ग्रिड या 8x8 की ग्रिड अलग अलग बिल्डिंग के हिसाब से बनती है। अगर टाउनशिप डिजाइन कर रहे हो तो 8x8 की ग्रिड, ठीक है। उसके बाद जो वैदिक वाले हैं, जो स्पेशली डायरेक्शंस की रेमेडीज कराते हैं, जैसे कि अगर साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है तो उसकी रेमेडी क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो उसकी रेमेडी क्या होगी। मर्म स्थान होते हैं, मर्म स्थान वाले पॉइंट हैं जो कि वास्तु पुरुष के नाजुक अंग जो होते हैं, सॉफ्ट जो बॉडी स्टमक के अंदर जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को आवाज आ रही है कमल? आवाज आ रही है ना? यस, आ रहा है सर, आ रहा है सर। ओके ओके। और उसके बाद भी वैदिक के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपस में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, जैसे कि बिल्डिंग की अगर 9x9 की ग्रिड बनाई जाती है तो उसके अंदर जो देवता है उनको एलोकेशन होती है स्पेस। वो समरांगण सूत्र वाले, समरांगण सूत्रधार स्कूल ऑफ थॉट में जो विश्वास करते हैं, उनकी 9x9 ग्रिड अलग बनती है, मतलब उनका एकाशिति पद अलग तरीके से बनता है। जो लोग विश्वकर्मा प्रकाश में यकीन रखते हैं, उनकी 9x9 अलग से बनती है, और व्रज संहिता वालों की 9x9 ग्रिड अलग से बनती है। तो ये वैदिक वाले जो पढ़ाएंगे, सारा ये डायरेक्शन के बेस पे पढ़ाते हैं। शुरू में मैंने भी एक महाराष्ट्र के माने हुए वास्तु कंसल्टेंट जो कि पढ़ाते हैं, उनसे मैंने एजुकेशन प्राप्त की थी, और 4 दिन का मैंने पूरा फुल डे का कोर्स किया था। उसके बाद भी मैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए गया तो मुझे कई जगह बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो सारी रेमेडीज के बारे में बताए, कोई भी बुक ऐसी नहीं है कि जो कंप्लीट वास्तु के बारे के अंदर बताए। तो मुझे लगा कि वैदिक साइंस मैंने पढ़ ली है, वैदिक वास्तु पर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी ज्ञान लेना है।
क्योंकि मैं पूरी रेमेडी अभी करने में असमर्थ हूँ। उसके बाद जो दूसरे स्कूल हैं जो कि वास्तु सिखाते हैं, जैसे कि एम वास्तु वाले फेंग शुई का कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम कहते हैं 5 एलिमेंट्स, वो सारा का सारा उसके ऊपर आधारित है। बिल्डिंग के अंदर 5 एलिमेंट को, मतलब कि 5 तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाए, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन और बैलेंसिंग के माध्यम से इनका सारा फोकस इसी के ऊपर रहता है। एम वास्तु वाले जो लोग पढ़ते हैं या जो एम वास्तु लोग उनको पढ़ाते हैं, वो लोग इस चीज पर बहुत थोड़ा कम ध्यान देते हैं कि प्लॉट की शेप कैसी है, साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो क्या इफेक्ट होगा, 8 डायरेक्शन के बारे में वो कम बात करते हैं, वो सीधा सोलह जोन में डिवाइड करके उसके ऊपर बात करते हैं। प्लॉट का इंक्लिनेशन या स्लोप किसकी तरफ है, इसके बारे में भी वो लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो दिशा की बातें कम करते हैं और एलिमेंट की बात ज्यादा करते हैं, पंचमहाभूत की। जबकि वैदिक के अंदर कहा जाता है कि दिशा बदलो तो दशा बदलेगी। अगर आपने बिल्डिंग की दिशा ठीक कर दी तो भूमि के स्वामी की दशा अपने आप सुधर जाएगी। जबकि हम देखें एम वास्तु के अंदर वो दिशा की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सीधा सीधा 16 जोन में डिवाइड करके 16 जोन की बात करते हैं और एलिमेंट बैलेंसिंग की बात करते हैं। यंत्राज जो कि वैदिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। जो ट्रेडिशनल हमारे वास्तु की रेमेडीज होती हैं उसके बारे में कुछ बात नहीं होती है। तो इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द फेंग शुई, जो चाइनीज वास्तु है उसकी तरफ लेकर चले गए हैं। तो आज भी मैं देखता हूँ लोगों को जिनको वैदिक वास्तु का ज्ञान नहीं है, सिर्फ उन्होंने मॉडर्न वास्तु करा हुआ है, वो लोग जब रेमेडी कराते हैं अपने क्लाइंट की 5-5, 10-10 लाख रुपया वो लोग खर्च कराते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आते। तो एक आपने किसी ने महावास्तु पढ़ा और तो समझो महावास्तु करने के बाद भी उसको वास्तु का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उसको सारी रेमेडी भी नहीं पता लगी। क्योंकि रेमेडी किसी स्कूल ऑफ थॉट का मोहताज नहीं है, रेमेडी तो क्लासिक केस टू केस होती है। वैदिक की कहीं कहीं पर वैदिक की रेमेडी अच्छा काम करती है किसी खास प्रॉब्लम में, किसी खास प्रॉब्लम में महावास्तु की रेमेडी बहुत इफेक्टिव है, किसी खास प्रॉब्लम के अंदर पिरामिड्स लगाना बहुत ज्यादा कामयाब होता है, पायरा बैंड लगाना बहुत ज्यादा कामयाब होता है, और कहीं कहीं पर तो जो ट्रेडिशनल चीजें जो हमारे ऋषि मुनि ने बताए हैं वो बहुत ज्यादा कामयाब होती है। तीसरी चीज आ गई, एक स्कूल ऑफ थॉट है पिरामिडोलॉजी, वो ना महावास्तु की बात करते हैं और ना वो बात करेंगे क्लासिक की, वो वेदेविल से कि सारा का सारा वास्तु वी कैन कंट्रोल थ्रू पिरामिडोलॉजी। पिरामिडोलॉजी का क्या सिद्धांत है, या तो जो घर के अंदर की पॉजिटिव एनर्जी जहाँ कम है उसको ये एनहांस कर देता है, मतलब जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको घर के अंदर बढ़ा देता है, और जो घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो कि नेगेटिव है और उस वाले जोन या डायरेक्शन का नुकसान कर रही है, उस एनर्जी को वो ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बन गया है तो दिशा के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में या एनएनई जोन में टॉयलेट बनना बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर हम इसकी रेमेडी देखें तो आपको मॉडर्न वास्तु के अंदर इसकी रेमेडी नहीं मिलेगी। मॉडर्न वास्तु के अंदर लिख देते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बाथरूम या टॉयलेट है तो उसे बंद कर दो। मैं दिल्ली के अंदर जाता हूँ लोगों की वास्तु करने के लिए, मैं उनके घर में घुसता हूँ तो पता लगा एक टॉयलेट में गया वहां से WC गायब है। वो कहते हैं कि हमारे वास्तु कंसल्टेंट ने कहा है कि इसमें से आप WC हटा दो। तो आप मुझे ये बताइए, अगर किसी का एक कमरे का फ्लैट है या 2 कमरे का बॉम्बे में बांद्रा के अंदर, अब उसके पेरेंट्स को अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिला ही हुआ है तो वो WC कैसे रिमूव करेगा। तो वास्तु कंसल्टेंट का काम है कि जो चीज गलत कंस्ट्रक्शन हो गई हो उसको विदाउट डिमोलिशन उसको करेक्ट करे, ठीक है। अब जो आपने कोई किसी क्लाइंट ने कोई फ्लैट अगर खरीद लिया फिर तो वो जैसा है वैसा है, उसके अंदर आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो वास्तु कंसल्टेंट का काम है कि
गलत कंस्ट्रक्शन को ठीक करे। जैसे एक डॉक्टर के पास कोई मरीज जाएगा तो वो ये थोड़े कह देगा अभी डायबिटीज तो होनी नहीं चाहिए, तुम वापस जाओ। अरे डॉक्टर का काम है जो बीमारी है उसका इलाज करे, दवाई दे, उसे ठीक करे। तो ऐसी कोई बिल्डिंग अगर बीमार है तो वास्तु कंसल्टेंट का काम है कि अगर मेक एंड शिफ्ट से हो सकता है तो ठीक है, अगर टेक्निकली उस चीज को वहां से हटा नहीं सकता तो उसका उपचार करे। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो माँ वास्तु कुछ नहीं बताएगा आपको कि सर कैसे ठीक करो। वैदिक से भी परेशानी है तो हम उसको पिरामिडोलॉजी से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की स्कूल ऑफ थॉट की रेमेडीज काम आती है, कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो जब तक कोई भी वास्तु करने वाले को वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, मॉडर्न वास्तु का ज्ञान नहीं होगा, उसको पिरामिडोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा। और यहाँ तक कि कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे होते हैं जो कि फेंगशुई से ही लेने पड़ते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैंने आपको तीन स्कूल ऑफ थॉट बताए, इन तीनों के अलग अलग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। कुछ लोग पिरामिडोलॉजी से कोर्स करके आ जाते हैं बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और वो हर तरह की बिल्डिंग की रेमेडी नहीं कर सकते। मॉडर्न वास्तु वाला भी सब रेमेडी नहीं कर सकता, क्लासिक वाले को भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है, स्टूडेंट्स को इधर से उधर भटकता रहता है। एक कॉलेज में जाता है, क्लासिक सीख ली, फिर पता लगा किसी ने बताया कि वहां से जाओ मॉडर्न वास्तु सीख ली। ठीक है, फिर किसी ने बताया भाई इसमें तो पिरामिड बड़े अच्छे काम है, फिर उसने पिरामिड सीख ली। उसको इतने पैसे और टाइम खर्च करने के बाद भी पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे कि जो स्टूडेंट महावास्तु मॉडर्न वास्तु से पढ़ के आया है उसको इतना जानकारी कम होती है कि एकाशिति पद विन्यास कैसे बनता है, मर्म स्थान कैसे निकाला जाता है, मर्म स्थान की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आयादि षडवर्गा जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है हमारी क्लासिक्स की, जिसमें बिल्डिंग की लंबाई और चौड़ाई से ही पता लग जाता है कि ये बिल्डिंग ओनर को बेनिफिट करेगी, उसकी हेल्थ खराब करेगी या उसको मॉनिटरली गेन करेगी। तो आयादि षडवर्गा के मॉडर्न वास्तु में लोग बात ही नहीं करते। उसके बाद जो स्टूडेंट क्लासिक या वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने चला गया उसको बैलेंसिंग एलिमेंट की बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम आती है, उसको एंगुलर डिवीजन करने नहीं आ पाते हैं, उसको ये नहीं पता होता कि मैं बार चार्ट बना के कैसे जहाँ पे एलिमेंट कम है या जहाँ पे एलिमेंट कम है वहाँ की एनर्जी कैसे बढ़ाऊं, या मैं कैसे मेजर करूं कि कौन से जोन की एनर्जी हाई है जिसको मैं कम कर दूं, उसको वहां प्रॉब्लम होती है। तो इस कारण से जब वो वास्तु का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद जब वो एज ए प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट जाते हैं मार्केट में तो उनको रेमेडी देने में, सॉल्यूशन देने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कोर्स करने के बाद भी, टाइम करने के बाद भी वो प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट नहीं बन पाते, वो आधे अधूरे वास्तु कंसल्टेंट बनते हैं। हमने क्या क्या है मेगा वास्तु के अंदर, बिकॉज विद माई एक्सपीरियंस आई हैव फाउंड कि जैसे कि मैं एक ऑफिस का वास्तु करने गया, वहां के जो ओनर थे सीईओ, उनकी जो चेयर थी वो बीम के नीचे थी। मैंने उनको बहुत समझाया कि बीम के अंदर मत डालिए, बीम के अंदर, बीम के नीचे अपनी चेयर हटा लीजिए, अच्छा नहीं है, आप बहुत स्ट्रेस में रहोगे। बोले मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ पर यहाँ से बैठ के मुझे पूरे ऑफिस का व्यू दिखता है और लोग मुझे नहीं देख पाते, बट आई कैन सी एवरीबॉडी सिटिंग फ्रॉम हियर। तो ये डायरेक्शन तो मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं तो बीम के नीचे बैठूंगा, कोई सॉल्यूशन हो तो बता दो। अब उनको समझाने का पूरा प्रयास करा बट ही वॉज एडमेंट कि भाई मैं तो यही बैठूंगा, आप कुछ और मुझे सॉल्यूशन बताओ। उसका कोई सॉल्यूशन ना मॉडर्न वास्तु में दिखता है ना क्लासिक वास्तु में दिखता है। इन फेंग शुई में देयर इज अ वेरी बेसिक वेरी सिंपल रेमेडी, आप बीम के नीचे फ्लूट लगाओ 45 डिग्री पर और रीवन में लपेट कर, तो जातक को फायदा होता है, नेगेटिव एनर्जी कम होती है। मैंने उस ओनर को कुछ नहीं बताया, मैंने कहा ठीक है आपको इस जगह से इतना लगाव है और आप इसके बेनिफिट बता रहे हो, यू कीप सिटिंग हेयर, बस आप मुझे वहां पे बांसुरी, मैंने उनकी दो बांसुरियां लगाई दोनों बीम के दोनों तरफ। मैं 2 महीने बाद दोबारा उस ऑफिस में गया तो मेरे सामने जो सीईओ के जो मैनेजर थे
जनरल मैनेजर वो बैठे हुए थे, बोले सर आपने क्या इसके अंदर मैजिक किया है कि 2 महीने के अंदर जो हमारे बॉस को इतना गुस्सा आता था ना, तो इनको गुस्सा आता और इनका वेंडर के साथ लोगों से झगड़े हो जाते ना, इनके झगड़े होते हैं और वो बहुत कूल है। तो उसका सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। उसका क्या रीजन है, जो बीम किस लिए होता है कोई मुझे बताए? बीम पूरे छत का लोड लेता है। अगर आप बीम के नीचे कोई बैठा है तो उसका सारा स्ट्रेस जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है नीचे वाले जो भी उसके बैठेगा या सोएगा। अगर वो जातक फ्लूट लगाने से जो नेगेटिव एनर्जी जो स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा था वो खत्म हो गया और वो नेटिव बहुत कूल माइंडेड हो गया और उसके ऊपर सीधा सीधा असर दिखने लगा। वो क्यों संभव हो पाया? क्योंकि आई हैड द नॉलेज ऑफ फेंग शुई। मुझे पता है कि किस कॉन्सेप्ट पे क्या चीज लगानी है। ठीक है, ऐसी पिरामिडोलॉजी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दे दिया। किसी का बॉम्बे में बांद्रा में बड़ा महंगा फ्लैट है, 2 करोड़ का फ्लैट उसने ले लिया, वहां तो 1 BHK 2 BHK 2 करोड़ के आते हैं। टॉयलेट उसका पड़ गया नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पे मॉडर्न वास्तु कहता है बिग नो, टॉयलेट शुड नॉट बी देयर इन द नॉर्थ ईस्ट फुल स्टॉप। भाई फुल स्टॉप कहने से काम नहीं चलेगा। बांद्रा में फ्लैट है, 2 करोड़ रुपए लेके उसने ले लिया है, अब आप इसकी रेमेडी बताओ। देन पिरामिडोलॉजी के अंदर से हम पायरा बैंड की यूज कर सकते हैं। उसके दरवाजे पे हम पायरा बैंड लगाएंगे, नेगेटिव एनर्जी जो है वहां पे वर्चुअल वॉल बन जाती है और उसकी नेगेटिव एनर्जी कम हो जाती है। तो सेम वे वी हैव टेकन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेडिशनल वैदिक वास्तु, मॉडर्न वास्तु, फेंग शुई एंड पिरामिडोलॉजी। तो जो इस कोर्स को करेगा वो जाने के बाद सीधा प्रोडक्टिव हो जाएगा। ही कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वास्तु स्ट्रेट अवे आफ्टर दिस कोर्स बिकॉज ही विल बी इक्विप्ड विद द 360 डायरेक्शन नॉलेज। उसको मां वास्तु की, उसको मॉडर्न वास्तु की बार चार्ट भी पता होंगे, एंगुलर डिवीजन भी पता होंगे, 16 जोन भी पता होंगे, सिंबल्स भी पता होंगे, उसको वैदिक का एकाशिधि पद भी पता होगा, मर्म स्थान भी पता होगा, ब्रह्म स्थान भी पता होगा, उसको पिरामिडोलॉजी का भी बेसिक ज्ञान होगा कि किस चीज को किस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और कौन से खास खास चीजें ऐसी हैं जहाँ पे फेंग शुई की भी हम रेमेडी लगा सकते हैं। सो मेगा वास्तु इज कंसिस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडिशनल यानी कि वैदिक वास्तु, महावास्तु, फेंग शुई एंड पिरामिडोलॉजी। मेगा वास्तु के 5 पिलर क्या हैं? सबसे पहले तो 8 डायरेक्शन को जानो, जो बेसिक 8 डायरेक्शन है उनको जानो, कौन सी डायरेक्शन बढ़ी हुई है, कौन सी डायरेक्शन कटी हुई है। जैसे साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, राहु की डायरेक्शन बढ़ी हुई है, उसके क्या बैड इफेक्ट होंगे, क्या एक्सीडेंट होंगे, कैसे उसका मालिक का फॉर्चून ऊपर और नीचे होगा। नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, नॉर्थ कटा हुआ है तो कैसे उसके संतान उत्पत्ति में या उसको अपॉर्चुनिटीज आने में या उसको धन आने में प्रॉब्लम होगी। तो जैसे कि वैदिक में कहा है कि दिशा बदलो तो दशा बदलेगी, आपने अगर दिशा ठीक कर दी तो जातक के बहुत सारे संकट से आप उनको दूर कर सकते हो। तो पहला पिलर है डायरेक्शन को पहचानो, 8 डायरेक्शन को, कौन सा उसमें दोष है उसको पहचानो और उसका उपचार करो। जो जोन में जैसे कि नॉर्थ में अगर सीढ़ियां आ गई हैं, सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे नॉर्थ के अंदर जैसे मर्क्यूरी का यंत्र है तो कौन सा वहां पे यंत्र लगेगा और कैसे आप नॉर्थ का दोष ठीक करोगे। उसके बाद ये मॉडर्न वास्तु का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो हमारे 5 एलिमेंट हैं, हमारे जल है हमारा, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश, ये 5 तत्व भी बिल्डिंग के अंदर बैलेंस की अवस्था में होने चाहिए। जैसे कि हमारा शरीर है वो भी 5 तत्वों से बनता है, ऐसे बिल्डिंग में भी 5 तत्व होते हैं। एंड ऑल द तत्वाज शुड बी इन द बैलेंस स्टेट। अभी आई एम पुटिंग एवरीबॉडी ऑन म्यूट, प्लीज डोंट स्पीक। आई एम पुटिंग एवरीबॉडी ऑन म्यूट, ओके। नाउ द थर्ड पिलर ऑफ द मेगा वास्तु इज जो हमारे हमारे जो द्वार होते हैं, हमारे जो गेट का मुख्य द्वार है, वो अगर हम उस बिल्डिंग को 32
डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, तो हर 32 ग्रिड के ऊपर कोने में जो बिल्डिंग का, जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग के जो कोना है, बिल्डिंग के कोने कोने में 32 देवताज बैठते हैं। तो हर देवता हर एक ग्रिड का इंचार्ज होता है। तो किस देवता वाले पद के अंदर दरवाजा खुल रहा है, उस तरह का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अगर देवता जैसे विथत है, विथत के अंदर गेट अगर खुल गया तो जातक जो है गलत काम करके काला धन कमा के या जो है बदनामी वाले काम करके धन की कमाई करेगा। कौन सा द्वार ऐसा है जैसे कि E3 E4 है, या मैं बोलूं कि N3 N4 N5 है, जहां पे अगर द्वार होगा तो संतान की भी प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। तो काफी सारे दोष हम सिर्फ मेन दरवाजे को सही ग्रिड में मूव करने के बाद भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी के घर में आप देख रहे हो जातक कहता है कि संतान नहीं हो पा रही है, और 2-3 केसेस में ऐसा हो चुका है कि संतान नहीं हो पा रही है, तो आप देख सकते हो कि कौन सी ग्रिड है जहाँ पे मैं दरवाजा खोलूं तो उसको संतान होगी, ऐसा मैंने किया है दरवाजा शिफ्ट करने से और मनोवांछित रिजल्ट मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट पावर ऑफ द 16 जोन। चौथा पिलर है मेगा वास्तु का, इसके अंदर बिल्डिंग को 16 जोन में डिवाइड करा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप घर के अंदर कई बार सोते हो, एक कोने में जाके सोते हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है, एक रूम में जाते हो तो यू बिकम रेस्टलेस, आपके दिमाग में रात को इतने दुनिया भर के विचार आने लगते हैं कि आपको लगेगा कि मैं सुबह करूंगा, आपको रात में ही आप दिमाग में विचार वो घूमने शुरू हो जाएंगे। आप अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जाके सो जाओगे तो आपका दिमाग सारे दिन चक्री की तरह घूमता रहेगा। ठीक है, आप जाके साउथ वेस्ट में सोओगे, साउथ में सोओगे तो यू विल फील रिलैक्स और आराम से नींद आएगी। उसका रीजन क्या है, 16 जोन के अंदर 16 तरह की, वैसे तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, बिल्डिंग के अंदर 45 तरह के एनर्जी जोन होते हैं, तो उसको 16 में डिवाइड करेंगे तो एक ग्रुप ऑफ एनर्जी जोन बनता है। उस एनर्जी जोन के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली अगर हम काम करा जाए तो उसके अंदर हमको सपोर्ट मिलती है, हमको बाधाएं नहीं आती, पर उस एनर्जी फील्ड के विरोध में या विपरीत कोई काम करा जाएगा तो हमेशा बाधाएं आएंगी, और उसके हारमोनियसली उस जैसी वो एनर्जी है उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा तो उसमें फायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आप बच्चों की किताबें भी रख दोगे, क्योंकि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की जो एनर्जी है वो एक सुग्रीव नाम के देवता है, उनके साथ एसोसिएटेड है। सुग्रीव के बारे में कहा जाता है वो देवता ऐसे थे जो चीज एक बार भी सुन लेते थे उनको कंठस्थ हो जाती थी। एक बार शिव जी ने पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में बोला कि मैं आपको ऐसी ऐसी कथा सुनाता हूँ जो आज तक किसी ने सुनी नहीं है। सुग्रीव जी को ये बात पता लग गई थी, सुग्रीव जी को एक वरदान प्राप्त था कि वो आदृश्य हो सकते थे। सुग्रीव जी आदृश्य होके उस गुफा में चले गए, सुग्रीव जी आदृश्य होके उस गुफा में चले गए और उन्होंने भी पूरी कथा पार्वती जी के साथ पूरी सुन ली और जाके अपनी धर्मपत्नी को सुना दी। अब धर्मपत्नियों की जो ऐसी आदत होती है, उन्होंने शिव जी की जो पत्नी थी पार्वती जी उनको वही कथा जाके सुना दी। देन पार्वती शिव जी से क्रोधित हो गए कि आपने कहा था वो कथा मुझे पहली बार सुना बता रहे हो, वो तो यहाँ भी पता है वहां भी पता है। शिव जी ने ध्यान लगाया, बोले इस तरह की जो सुनने की क्षमता और याद करने की क्षमता और अदृश्य होने की सिर्फ सुग्रीव में है। तो सुग्रीव वाली एनर्जी आज की डेट में जो देवताज हैं 45 बिल्डिंग में, वो फिजिकली नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ईच बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फील्ड। तो वहां की एनर्जी फील्ड अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करती है और वैसा ही आदमी सोचने लगता है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में किताबें रखोगे, बच्चों का इंक्लिनेशन पढ़ाई की तरफ बढ़ने लगेगा, उनको चीजें जल्दी मेमोराइज होने लगेंगी। ठीक है, इसी तरीके से ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की जो एनर्जी है वो विरल करती है, मिक्सिंग करती है। वहां पे अगर कोई एनर्जी है ही तो उसका काम है मिक्सिंग करना, तो जहां पे अगर कोई व्यक्ति विशेष सोएगा तो उसका दिमाग को वो मिक्सर की तरह चलाना शुरू कर देती है। तो ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है,
बस मैंने आपको दो हिंट इसलिए दिए सो दैट यू कैन कोरिलेट हाउ दिस एनर्जीज इन्फ्लुएंस अवर सबकॉन्शियस माइंड। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, मैं आपको बता सकता हूँ, कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो आपको एक ही बुक पढ़ लो या दो बुक पढ़ लो आपको रेमेडीज पता पड़ जाए, और कोई भी एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा नहीं है कि उस स्कूल ऑफ थॉट को आप फॉलो करो तो आपको सारी रेमेडी पड़ जाए। आप पूरा सारे वैदिक और क्लासिक पढ़ के बैठ जाओ तो भी आप सारे घर की रेमेडी नहीं कर सकते, आप अगर मॉडर्न वास्तु वास्तु पढ़ लो तो भी आप रेमेडी नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ पिरामिडोलॉजी कर लोगे तो भी रेमेडी नहीं कर सकते, क्योंकि हर खास चीज के लिए कोई खास रेमेडी किसी खास स्कूल ऑफ थॉट में। तो पांचवा पिलर जो है हमारा वास्तु दोष रेक्टिफिकेशन, ये किसी स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसके अंदर हम जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम, जैसे कि बीम है तो बीम के लिए जो बेस्ट रेमेडी मैंने आपको बताई थी वो दैट आई विल टेल यू। टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट में बन गया तो आई विल नॉट से कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो भैया इसका WC हटा दो, बिकॉज दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, दैट इज द मतलब दैट इज नॉट ए प्रैक्टिकल थिंग। थियोरेटिकली कहना बहुत आसान है कि नॉर्थ ईस्ट एनएनडी में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अभी सेक्टर 50 में गया हूँ, बहुत बड़ी कोठी है उनकी, बहुत बड़ी कोठी होने के बाद भी उनकी जो टॉयलेट है वो एनएनडी में पड़ रहा है और कुछ इस तरह की संरचना हो गई है कि एनएनडी के टॉयलेट के बिना उनका गुजारा नहीं हो रहा। एनएनडी में टॉयलेट है, घर में सारे लोगों को बहुत सीरियस बीमारियां हो चुकी हैं, ठीक है। पहले वास्तु कंसल्टेंट आए, बहुत कुछ उनका इधर से उधर करा के 10-12 लाख रुपए उन्होंने उसके लगवा दिए, कोई सॉल्यूशन नहीं आया। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन था, एनएनडी की जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर ऐसा है कि टेक्निकली यू कैन नॉट मूव दैट टॉयलेट फ्रॉम द एनएनडी टू द अदर जोन, विच शुड बी आइडियली साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, देन यू शुड ब्लॉक नेगेटिव एनर्जी ऑफ दिस टॉयलेट। दैट कैन इजीली बी डन, बट इट कैन नॉट बी डन बाय द मॉडर्न वास्तु और द क्लासिक वास्तु, फॉर दैट आई विल हैव टू फॉल बैक ऑन पिरामिडोलॉजी, ठीक है। तो वहां पे मैं पिरामिड वाले उपाय भी बता सकता हूँ। ऐसी मेन गेट है, मेन गेट के अंदर आपको पता है नोएडा अथॉरिटी या दिल्ली के रहने वाले लोग हैं जो अपनी कोठिया मकान बनाते हैं उसको तो अथॉरिटी पहले से एक गेट खोल कर दे देती है, और उस गेट को शिफ्ट करना भी बाई लॉज के हिसाब से अलाउड नहीं है। अब किसी का गेट पड़ गया E7 वाली ग्रिड में तो मैं उसको ये थोड़ी कह सकता हूँ भाई E7 वाला ग्रिड तू मकान बेच दो। मैं आजकल ऐसा भी देखता हूँ दिल्ली में, बहुत से लोग मुझे बुलाते हैं वास्तु कंसल्टेंसी के लिए, वो बड़े बेचारे घबराए हुए होते हैं, कहते हैं जी हमारे वास्तु कंसल्टेंट तो कह रहे हैं ये मकान बेच के नया ले लो। मैंने कहा ये मकान बेच के नया ले लोगे, कोई दुनिया में मुझे 100% वास्तु कंप्लायंट मकान दिला दो तो मैं कहूंगा कि आप खरीद लो। अरे आपने वास्तु कंप्लायंट मकान बना लिया और बगल वाले में मंदिर बन गया या बराबर में हॉस्पिटल बन गया या बराबर वाले ने बिल्डिंग आपसे बड़ी बना दी या इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले ने आपके गेट के आगे आपके ट्रांसफार्मर लगा दिया, तो दोष तो कुछ भी आ सकता है। द थिंग इज जो चीज ऐसी है उनका इलाज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर गेट E7 में हो गया तो E7 का आप रेमेडी करो, आपके पास आप इतने इक्विप्ड होने चाहिए कि उसकी रेमेडी करो, ओके। तो दैट रेमेडी आई विल टेल कि अगर E7 में E8 में पढ़ते हैं एंड देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो वे टू मूव दैट गेट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तो व्हाट रेमेडी यू कैन गिव, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन वन स्कूल ऑफ थॉट। हमको तो रेमेडी चाहिए जो चारों पांचों स्कूल ऑफ थॉट की जो बेस्ट रेमेडी है, वेयर वी दैट वी हैव टू अप्लाई। एट द एंड ऑफ द डे व्हाई यू आर लर्निंग वास्तु, यू आर लर्निंग वास्तु, आपको कोई क्लाइंट है बुलाता है आप उसको सॉल्यूशन दो, ठीक है। आप उसको ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि आप मकान बेच दीजिए, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। दिस इज लाइक कोई डॉक्टर के पास जाए जी उसको ये बीमारी हो रही है, तो डॉक्टर ये कह सकता है कि आप इस मरीज को क्या क्या करो, इस मरीज को है however ill he is, however sick he is, उसको तो भाई जो मरीज है तो उसकी तो दवाई करनी है, ठीक है। तो ये सब हमारे 5 pillars हैं, तो हम जो रेमेडी करेंगे। So, या टेल मी So, sir, there is no such problem that cannot be solved. There is no such problem that cannot be solved. Yes, you are right. There is a solution for every problem. Okay. If not 100%, then it will subsidize. At least it will subsidize. Okay. ऐसा कुछ नहीं है कि इसका problem नहीं है. For every problem, there is a solution.
इफ इट इज नॉट इन मॉडर्न वास्तु यू विल फाइंड इट इन वैदिक वास्तु, इफ इट इज नॉट इन वैदिक वास्तु यू विल फाइंड इट इन पिरामिडोलॉजी, यू विल फाइंड इट फेंग शुई. माई काम एज ए वास्तु कंसल्टेंट इज टू गिव 100% सॉल्यूशन टू द माई क्लाइंट. See, my client is not bothered कि I am a classic vastu consultant or I am a modern vastu consultant or I am a pyramidologist. Is he concerned with that? Shiny, is he concerned with that? No. He is looking for the solution, na? So, how can you give the best solution until or unless you have the knowledge of all the school of thoughts? Until or unless you have got the idea of all the school of thought, then only you can come out with the proper remedy. Otherwise, क्या होता है? जैसे मैं भी बहुत भटका हूँ. मैं भी पहले क्लासिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है एक गुरु से, फिर दूसरे गुरु से मॉडर्न वास्तु पढ़ी, फिर मैंने सेल्फ स्टडी करके पिरामिडोलॉजी में अपना ज्ञान बढ़ाया. तो पिरामिडोलॉजी में मुझे ऐसी ऐसी सोल्यूशन मिल गए जो बाकी उन दोनों में नहीं थे, पर वो appropriate थे, स्पेसिफिक टू प्रॉब्लम थे. जैसे मेन गेट के लिए बहुत अच्छी रेमेडी आपको पिरामिडोलॉजी में मिल सकती है एंड यू कैन नॉट फाइंड इन मे बी इन मॉडर्न वास्तु, बिकॉज मॉडर्न वास्तु अगेन गिव यू अ सॉल्यूशन व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकल. दे विल से E7 को वर्चुअली क्लोज कर दो. ओके, वर्चुअली क्लोज एंड देन ओपी ने वर्चुअल डोर इन पॉजिटिव डायरेक्शन से इन नॉर्थ N3 डायरेक्शन. ओके, बट इफ यू बिलीव दैट डोर कैन बी क्लोज वर्चुअली, देन वाई डोंट यू ब्लॉक द नेगेटिव एनर्जी कमिंग इन साइड द बिल्डिंग. देर आर वेज यू कैन स्टॉप द बैड एनर्जी कमिंग इन साइड द बिल्डिंग एंड देन यू कैन स्टॉप पॉजिटिव एनर्जी गोइंग आउट ऑफ द बिल्डिंग. देर आर वेज इन सम स्कूल ऑफ थॉट. सो वाई डोंट यू पिक दैट? This is not practical to close that door and open a virtual door in some other direction. Suppose north ke piche kisi aur ka apartment hai, to kaise keel thokoge uske andar? So some of the solutions are not practical. मतलब theoretically अच्छा है, आपने सुन लिया solution है. अब ऐसी ऐसी solution आती है. मैं एक अपने वास्तु consultant के पास गया, ठीक है. अब उसके north में लाल रंग की दीवार थी. मैंने कहा लाल दीवार हटाओ, लाल इज नॉट गुड, लाल में तो आपकी अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा. मैंने कहा आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, एकदम से आपने नॉर्थ में लाल रंग करा हुआ है. ही सेज अभी लाल रंग कराया बहुत महंगा है. उसकी वाइफ ने बुलाया था, हस्बैंड ज्यादा यकीन नहीं करता था. हस्बैंड सेड बॉस बहुत पैसा लगाया, पूरे घर के अंदर इतना पैसा लग गया, अभी 4 महीने हुए हैं तो अभी तो आई कैन नॉट चेंज रेड कलर, डू वॉट एवर आई नीड. मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, अब ऐसा कुछ वास्तु करो कि ठीक हो जाए. तो यू कैन नॉट शूट योर क्लाइंट की नहीं, तुझे लाल की जगह नीला ही करना है या हरा करना है. कैन यू डू इट? प्रैक्टिकली व्हेन यू गो टू योर क्लाइंट यू हैव टू डील विद योर क्लाइंट. ओके, तो इन दैट केस अगर नीला रंग नहीं कर पा रहे हो, हरा नहीं कर पा रहे हो, तो देयर आर अदर वेज. यू कैन पुट हेलिक्स. हेलिक्स आर वंडरफुल थिंग्स टू एनहांस द एनर्जी. पर हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए ना. हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई क्लाइंट कह रहा कि मैं तो लाल की लाल ही है, अब तो मैं क्या करूं, और घर आके बैठ गए मुंह लटका के, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा. यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन. दैट्स व्हाई ही हैज पेड यू. तो हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो इसी डायरेक्शन में डिजाइंड है. ओके, जो डायरेक्शन में मैंने आपको बताया है. So those people who have already studied Vastu somewhere or the other, they will appreciate. I will take best practices from all the fields. आप जब इस कोर्स को करके जाओगे, you will not feel handicapped in any direction. Okay? देखो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ऐसा फील्ड है, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि एक महीने में यू विल बिकम बेस्ट एस्ट्रोलॉजर और बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट. इसमें तो सारी उम्र भी कम है, रिसर्च करते रहो और पढ़ते रहो. बट जो कॉन्फिडेंस एक चाहिए होता है, एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है चीज को स्टार्ट करने का. वो एक महीने के बाद भी यू विल हैव दैट एनफ कॉन्फिडेंस कि यू कैन टेक अ चैलेंज और यू कैन टेक मनी फ्रॉम योर क्लाइंट कि आप उसका वास्तु कर सकते हो. ऑफ कोर्स शुरू के एक दो क्लाइंट पे आप हैंडलिंग करोगे तो आपको मेरी भी सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि हो सकता है आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आई डोंट डाउट योर कैपेबिलिटी.
स्टिल यू नीड सम एक्सपर्ट एडवाइस, आपको ये चाहिए कि भाई ये बता रहा हूँ मैं ठीक बता रहा हूँ, वंस आई टेल यू इन टू थ्री क्लाइंट में कि बॉस या मैडम यू आर डूइंग वंडरफुल, आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद करना शुरू कर दोगे, ठीक है। पर अगर आप आधा कोर्स करके सोचो कि मैं वास्तु करूंगे, तो आप अपने दो साल डेढ़ साल लगा दो, आप वास्तु नहीं कर सकते। हाँ, कोई कुछ कोई किसी का कुछ क्वेश्चन है? हाँ सर। हाँ, क्या क्या पूछ रहे? एस्ट्रो वास्तु क्या है? एस्ट्रो वास्तु, देखो देर आर टू थिंग्स, वन इज एस्ट्रोलॉजी एंड वन इज वास्तु, बोथ आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो अब एक थर्ड चीज आई है जो कि उसका पहले स्कोप कम था। एस्ट्रो वास्तु के अंदर जो नेटिव की एस्ट्रोलॉजी है वो उसकी बिल्डिंग से कनेक्ट हो जाती है। सी, आपको जो भी जिंदगी में, नेटिव को जो भी जिंदगी में मिल रहा है, एवरीथिंग इज लिंक्ड। उसका जो प्रारब्ध है, जो उसको रिजल्ट मिलने हैं, जो उसको अच्छे कर्मों के अच्छे रिजल्ट मिलने हैं, बैड कर्मास के बैड रिजल्ट मिलने हैं, वो सब उसकी जब डीबीए दशा भुक्ति अंतरा चलनी है तो मिलेगी। जब उसकी अच्छा डीबीए होता है, ही विल फाइंड अ हाउस विच इज कंडक्टिव फॉर द गुड फॉर्चून। जब उसकी ऐसी डीबीए आती है जिसमें उसको बीमार होना है, ही विल फाइंड अ हाउस विच इज बैड फॉर हिज हेल्थ। ये मैं कितनी बार उसको अप्लाई कर चुका हूँ, कितने क्लाइंट के ऊपर मैं इसको ट्राई किया कि मैं इसके डीबीए के दशा भुक्ति के विपरीत जाके इसको मकान दिला दूं, मैं नहीं दिला पाया। एक मेरे पास मकान के मालिक आए थे, उनकी वाइफ को कैंसर है, उन्होंने 1.5 लाख रुपए महीने का फ्लैट किराए पे लिया लेना था। दोनों फ्लैट एक फ्लोर पे आमने सामने थे, दो फ्लैट थे आमने सामने, 1.5 लाख रुपए महीने का रेंट था। उन्होंने मुझे दोनों दिखा दिए एंड ही टोल्ड मी माई वाइफ इज वेरी सीरियसली इल, टेल मी विच फ्लैट शुड आई टेक बिकॉज आई एम वेरी कंसर्न अबाउट माई वाइफ। मैंने दोनों फ्लैट देखे, एक फ्लैट बहुत बढ़िया बना हुआ था हेल्थ के लिए, NNE उसका परफेक्ट था, किचन उसकी बेस्ट डायरेक्शन में थी साउथ ईस्ट के अंदर। ओके, हेल्थ रिलेटेड जितने जोन थे वो मैंने चेक किए। आई टोल्ड हिम यू टेक दिस फ्लैट विदाउट एनी फेल, जल्दी से जाके बयाना दे दो, इसको ले लो, ये मिस नहीं होना चाहिए। एंड आई विल, और उसकी जो दशा चल रही थी वाइफ की, वो चल रही थी 6, 8, 12, मतलब सीरियसली इलनेस की, बीमारी की दशा उसकी चल रही थी। आई केम बैक एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने उसको मकान दिला दिया, अब तो बढ़िया हो गया। इन द मॉर्निंग दैट गाय टोल्ड मी कि मैं बयाना लेके उसके घर गया था एंड ही इज टेलिंग कि वो जो मकान देगा सिर्फ 11 महीने के लिए देगा। तो बॉस ये बताओ, जब मैं 11 महीने के लिए 1.5 लाख रुपये महीना दे रहा हूँ और 11 महीने बाद अगेन आई विल हैव टू कैरी माय लगेज एंड आई विल हैव टू फाइंड द फ्लैट ऑल ओवर अगेन, तो मैं तो डिस्टर्बड हो गया। मैंने सामने वाला फ्लैट ले लिया, सामने वाला फ्लैट इज वाज ऑल रॉन्ग, NNE के अंदर एकदम से टॉयलेट बना पड़ा था, किचन उसकी जो है साउथ ईस्ट में ना होके किसी और ही डायरेक्शन में चली गई थी, बिल्कुल जो मैं पहला घर था उसका उल्टा था। ओके, तो नेटिव फाउंड द मकान विच वाज in sync with his dashas. So you got the, have you understood ki astro vastu ki kitni power hoti hai? Astro vastu mein hum astrology mein dasha bhukti ka bhi adhyan karte hain, pehle uski dashaon ka upchar karte hain, aur ya uska acha period chal raha hota hai to jaise ki uske 2, 6, 11 wale ghar hain jispe usko paisa milega, to usi se related house ke 2, 6, 11 wale houses ko hum activate kar dete hain zone ko, तो उसकी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों इन सिंक हो जाती है और उसको अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम गेन होता है। तो एस्ट्रो वास्तु इटसेल्फ इज अपने आप में एक साइंस बन गई है, सो दैट व्हाई आई डोंट कवर एस्ट्रो वास्तु इन दिस, क्योंकि वो अपने आप में एक साइंस है और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वास्तु भी आना चाहिए और एस्ट्रोलॉजी भी, स्पेशली केपी एस्ट्रोलॉजी का आजकल वास्तु से बहुत अच्छा लिंकेज हो गया है। पहले लोग लाल किताब करते थे, पर आप केपी एस्ट्रोलॉजी गेनिंग ग्राउंड इन एस्ट्रो वास्तु। ओके, लेट मी क्विकली गो थ्रू द कोर्स कंटेंट एंड दोस पीपल हु हैव डन सम वास्तु कोर्सेज फ्रॉम हियर एंड देयर, दे विल फाइंड आई हैव टेकन द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू वास्तु शास्त्र एंड वास्तु पुरुष। ओके, इसमें मैं वास्तु शास्त्र क्या है, वास्तु पुरुष इस सब के बारे में बताएंगे। देन वी विल डिस्कस डायरेक्शंस एंड देयर सिग्निफिकेंस। जो हमारी 8 बेसिक डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं ईशान कोण, अग्नि कोण और पृथ्वी और आपका जल वायव्य कोण या निरुति कोण कहते हैं, उधर वायु कोण। ये चारों मिलके आठ डायरेक्शन होती है, इसकी बेसिक बताया जाएगा। एंड यू विल अप्रिशिएट दिस पार्ट इज नॉट वेरी वेल कवर्ड इन मॉडर्न वास्तु, दे स्ट्रेट अवे जंप इन टू द 16 जून। देन आई विल टेक फाइव एलिमेंट विच आर पंच महाभूत, ठीक है, जो कि फाइव एलिमेंट है। पूरा यूनिवर्स पांच एलिमेंट से बना है, जल, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। हमारी बॉडी भी पांच एलिमेंट से बनी है, हमारे बॉडी के अंदर भी जल है, हमारे अंदर भी वायु है, हमारी बॉडी भी हीट होती है ना, तो अग्नि है, पृथ्वी है इन द फॉर्म ऑफ बोन्स एंड एवरीथिंग, और आकाश जो हमारे अंदर स्पेस है। तो कोई भी चीज है, हर चीज फाइव एलिमेंट से बनी है। पूरी दुनिया में कुछ भी हो, प्लैनेट हो, स्टार्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, या हमारा मनुष्य है, मनुष्य को जला दो या पेड़ को जला दो या किसी जानवर को जला दो, एशिज बचेंगी, ठीक है। तो अंदर सबके वही तत्व होते हैं। पर आपने क्या चीज देखी, तो इसी तरीके से जिस बिल्डिंग में रहती है उसके अंदर भी पांच एलिमेंट होते हैं जो कि उस बिल्डिंग को गवर्न करते हैं। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, हमारे बॉडी में पांच एलिमेंट है। एक एलिमेंट मैंने बोला हीट, अब हमारा जो हीट है बॉडी का कितना होना चाहिए, 98.4 फारेनहाइट। अगर ये 98.4 से 99.4 हो गया तो विल यू फील कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल, और ये अगर 98 हो गया तो विल यू फील वीक और नॉट। तो पांच एलिमेंट चाहिए पर वो सारे बैलेंस स्टेट में चाहिए। वाटर हमारी बॉडी में 68% होता है, अगर ये 79% हो गया तो हमारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी, 62 से कम हो गया तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ग्लूकोज चढ़ेगा। सेम वे जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो पांचों एलिमेंट है ये बैलेंस, एक बैलेंस अवस्था में होने चाहिए। तो हमारा काम है कि पहचानना कि कौन सा तत्व कमजोर है या कौन सा तत्व ज्यादा हो गया है, उसको बैलेंस स्टेटस पे लेके आओ। दैट आई विल कवर इन डिटेल। सो दिस थिंग इज एक्चुअली टेकन एलाबोरेटली इन मॉडर्न वास्तु, बट पॉइंट नंबर 3 इज नॉट टॉट एलाबोरेटली इन क्लासिक वास्तु। See, okay. Then in fourth point again you see this is all covered in classical vastu which I am taking, and Vedic vastu give it very very high importance. Selection of land, shape of land and vithi shul. आप लोगों ने सुना होगा ना कि मेरा घर है वो टी जॉइंट पे, ये सब वैदिक शास्त्र वैदिक वास्तु है कि जो मेरा घर है जी वो टी जॉइंट पे पड़ रहा है, बिकनी रहा, मेरे गेट के आगे खंबा आ गया, परेशानी हो रही है, नाला आ रहा है, परेशानी हो रही है, या मेरे जो लैंड है उसका साउथ वेस्ट बड़ा एक्सटेंडेड है, जब से इस घर में आए हैं बड़े ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो वो बहुत सारा वास्तु तो जो लैंड है उसकी शेप से ही ठीक हो जाता है। आपने देख लिया कि इस लैंड का तो नॉर्थ ईस्ट ही कटा हुआ है, यू कैन टेल इन एडवांस की नेटिव हु इज गोइंग टू परचेज दिस लैंड विल हैव टू सफर दिस प्रॉब्लम, इसका साउथ वेस्ट बढ़ाया है तो दिस पर्सन इज गोइंग टू फेस दीज प्रॉब्लम्स। तो उन प्रॉब्लम को पहचान के उनका रेक्टिफिकेशन करना ही वास्तु है। अगर हमने फोर्थ नंबर स्टेप को मिस कर दिया और सीधा हम सोच रहे हैं कि किचन उसकी नॉर्थ साउथ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ में है, मैंने तो पीला पत्थर लगा दिया है बर्नर के नीचे, बढ़िया हो गया उसका काम। अरे बढ़िया कहाँ से हो गया, नॉर्थ ईस्ट कटा पड़ा है, साउथ वेस्ट बड़ा पड़ा है, उसका तो आपने देखा ही नहीं, वो तो रोज उसका एक्सीडेंट होगा। तो आपको जो उपचार देना है इन टोटलिटी देना है। फिर हम देखेंगे पांचवे नंबर पे, अगेन आई एम गोइंग बैक टू पद विन्यास, ब्रह्म स्थान एंड मर्म स्थान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो पद विन्यास में हम इसमें बिल्डिंग को 9x9 की ग्रिड में डिवाइड करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन द कोर्स। देन इन पॉइंट नंबर 6 आई एम टेकिंग जो घर के अंदर कमरे होते हैं, When I say कमरा तो इट कैन बी किचन, इट कैन बी बाथरूम, इट कैन बी जगर, इट कैन बी गेस्ट रूम। तो हर घर की लोकेशन इस एक खास डायरेक्शन में होती है। जैसे अगर आपको चेयरफुल फील करना है और आपका रूम अगर लिविंग रूम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है और आप अपने घर वालों के साथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बैठोगे तो आपके घर में जो टेंशन अगर
चल रही है बहन भाइयों के बीच में या जितने भी घर के मेंबर हैं उनके बीच में, इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में, इफ दे कॉन्शियसली गो एंड सिट इन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, तो उनके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, उनके दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएगी। और वो ही लोग अगर जाके ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में हस्बैंड वाइफ कमरा बना लेंगे, उनके दिमाग में इतने ज्यादा आइडियाज और गलत फहमियां पैदा होने लगेंगी कि वो एक दूसरे की कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे, एंड दे विल स्टार्ट फाइटिंग। बिकॉज व्हेन यू सिट इन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, आपका दिमाग कभी रुकेगा ही नहीं, वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा और कुछ ना कुछ सोचेगा, नेगेटिव वेगेटिव सब कुछ सोचेगा और रिलेशन स्पॉइल होने शुरू जाएंगे। इन द सेम टाइम अगर जो नेटिव है, जो लैंड का ओनर है, उसका कमरा अगर साउथ वेस्ट में होगा तो वो हारमोनियस होगा, वो बहुत सब्जेक्टिवली एनालाइज करेगा, वो देखेगा कि मेरी वाइफ ये ठीक आ रही है, इसमें इसे गुस्सा आ गया है, इसमें ये ठीक है, ये क्वालिटी नहीं है, तो इसमें तो बहुत सारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो इसको इस एंगल से देखेगा, तो उनकी लड़ाई झगड़े कम होंगे, स्टेबिलिटी आएगी और लाइफ ना एक पैटर्न से चलेगी। उसी तरीके से हमारी किचन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिससे कि अग्नि जोन बैलेंस रहे, पूजा रूम कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट इज फॉर वेस्टेज, इसकी भी एक खास डायरेक्शन है। टॉयलेट को गलत डायरेक्शन में बना दोगे तो पता लगा जो कमाई है उससे ज्यादा खर्चा होना शुरू हो जाएगा। लॉफ्ट कहाँ होना चाहिए, जो घर में दो छत्तियां होती है, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, हर चीज का एक नियत स्थान है, तो किस चीज को कहाँ रखना चाहिए और कहाँ होने से क्या नुकसान है, ये सब मैं आपको डिलीवरी पूरा बताऊंगा। उसके बाद 16 जोन और उसके एट्रीब्यूट, जो 16 जोन है, जो मैंने आपको बताए थे बिल्डिंग को 16 जोन में डिवाइड करते हैं, और 16 जोन की जो एनर्जी है वो जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैं बोल सकता हूँ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट वो डायरेक्शन है अट्रैक्शन की, वहां पे अगर मान लो कपल है, उनका लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए नॉर्थ वेस्ट में सो जाएं, तो उनके बीच में लव एंड अफेक्शन डेवलप हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। किसी की शॉप है, उसके अंदर उसका कोई महंगा आइटम है, उसको वो बेचना चाह रहा है, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में काउंटर लगा के उसको हैंग कर देगा अपने आइटम को, जो भी उसका आइटम को देखेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं पाएगा। आप देखोगे किसी भी दुकान के अंदर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में जो भी आइटम होता है वो सबसे पहले बिकता है, क्योंकि आदमी उस जोन में जैसी जाएगा वो उस चीज से प्रभावित हो जाएगा। ओके, तो कौन से जोन में क्या चीज होनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मेन गेट मैंने आपको बताया 32 एंट्री हो सकती है 32 देवताओं की, कौन से देवता के लिए कौन सी एंट्री अच्छी होनी चाहिए, दैट आई विल टेल यू इन एक्सप्लेन इन डिटेल। Then I will tell you bar chart technique. This bar chart technique is very exclusive in modern vastu, और वो इसको बहुत stress देते हैं M vastu में. Whereas it is not at all taught in pyramidology and Vedic astrology. This I will teach you in detail. Bar chart का क्या advantage रहता है कि घर में जितनी भी energy है, जितने element हैं, 5 element, कौन से element किस direction में बढ़े हुए हैं, कौन से एलिमेंट किस डायरेक्शन में घटे हुए हैं, मतलब किसको एनहांस करना है, कौन से एलिमेंट को कम करना है, ये हम बार चार्ट की टेक्निक के सुविधा से देख सकते हैं, या कौन से एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस स्टेट में है जिसको हमें टच करने की जरूरत नहीं है। तो बार चार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू बैलेंस द एलिमेंट्स। देन 10th नंबर, चूजिंग बेस्ट डायरेक्शन फॉर होम अप्लायंसेस। हर ऑब्जेक्ट को रखने की भी एक नियत जगह होती है। आपने देखा होगा पुराने महलों में कोप भवन होते थे, आपको पता है ना कोप भवन में वहां पे रानियां जो होती थी वो रोती थी, रोना होता था तो कोप भवन में जाती थी। अभी तो रामायण आपने देखा है, महाराजा दशरथ के थे, वो रानी रूठ गई थी तो वो कोप भवन में चली गई थी। तो घर का जो आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, वहां की जो एनर्जी है, अगर कोई भी नेटिव वहां जाके खड़ा भी हो गया ना आधे घंटे के लिए, उसको पुरानी पुरानी बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी और उसको रोना आ जाएगा। ओके, तो वो कोना भी बहुत जरूरी होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उसका काम है आंखों में पानी लाना और पुरानी चीज को घुमा के, मतलब उस मैल, मन का मैल, जब आदमी रो देता है ना उसका कहते हैं मन का मैल निकल गया। ओके, ही विल फील लाइटर।
तो वहां की एनर्जी अगर कोई बहुत परेशान है, चार दिन से अंडर प्रेशर चल रहा है और किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है, तो ऐसे जातक को क्या होगा रश्मि जी, वो बीमार पड़ जाएगा, बीपी हो जाएगा हाई उसका, नहीं? हाँ सर। अगर वो जाके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में कुछ टाइम बैठेगा तो ही विल स्टार्ट वीपिंग, ही विल फील लाइटर। तो वहां की जो एनर्जी है वो सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से इफेक्ट डालती है। वायव्य कोण और वेस्ट के बीच वाला कोण, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच वाला कोण, ये मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो इसलिए वहां पे वॉशिंग मशीन रखनी चाहिए। वॉशिंग मशीन भी क्या करती है, चर्निंग करके कपड़ों का मैल निकाल देती है ना जी, ठीक है। तो इसको वहां रखू, और वो वॉशिंग मशीन अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में रख दू, नॉर्थ ईस्ट का जो, देखो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो क्लैरिटी ऑफ थॉट लाता है। आपकी अगर 10 तरह की प्रॉब्लम चल रही है, आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, यू गो एंड सिट इन नॉर्थ ईस्ट और टुवर्ड्स नॉर्थ, तो समवेयर बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट यू सिट। इफ यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इफ यू गो एंड सिट इन नॉर्थ ईस्ट कॉन्शियसली। अगर मैं वहां जाके वॉशिंग मशीन रख दूंगा तो मेरी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड में वो भूचाल ला देगी ना, जब चलेगा वो मेरे जो थॉट प्रोसेस है वहां पे, अगर मैं वॉशिंग मशीन रख दूंगा उसका मोटर चलेगा, उसकी व्हीर्लिंग होगी, तो मेरे जो थॉट प्रोसेस है ना वो भी फिर गोल गोल चक्कर में घूमने शुरू हो जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वहां पे, हम इसलिए कहते हैं पूजा स्थान होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप यू कैन कनेक्ट विद योर ईस्ट, यू कैन कनेक्ट विद द गॉड, यू कैन गेट बेटर आइडियाज, न्यू आइडियाज। तो नॉर्थ ईस्ट उस जोन के लिए, तो हर जोन की एनर्जी किसी ना किसी चीज को इन्फ्लुएंस करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। आप सोच रहे हो मैं बहुत खुश हूँ, आप देखोगे आप तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बैठे हुए हो, आप क्योंकि सबसे पहले आपका नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में आता है, उसके बाद वो चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में आती है। एंड वेन आपने, किसी ने अपना बेडरूम बना दिया वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, तो वो ज्यादातर डिप्रेस रहेगा, वो ज्यादातर रहता है अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में तो वो इतना ज्यादा एंजाइटी उसको हो जाएगी, छोटी छोटी चीजों को वो इतना बड़ा बड़ा बना के सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां की एनर्जी आपके उसके सबकॉन्शियस माइंड को उसी तरीके से प्रभावित करती है। सर वेस्ट ऑफ ईस्ट ऑफ इसका क्या मतलब है सर, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये क्या मतलब है सर? ऐसा है, 8 डायरेक्शन होती है, फिर 8 के बाद भी हम उसको और 16 डायरेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट आपने सुना होगा, ईस्ट आपने सुना होगा, तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो हिस्सा हो जाता है उसको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं। तो ये कैसे हम निकालते हैं ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये मैं आपकी सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में लाना चाह रहा था इसलिए मैंने ऐसा बोला। उसके बाद आई विल टीच यू आयादि षडवर्ग, जो कि मॉडर्न वास्तु में टच ही नहीं करते। आयादि षडवर्ग इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जो है सिर्फ बिल्डिंग की लंबाई चौड़ाई से ही बता सकते हो कि उसके अंदर 6 फॉर्मूलाज हो सकते हैं। आप बता सकते हो कि इसको लाभ होगा, इसको फाइनेंशियली हानि होगी, इसकी बदनामी होगी या इसकी जय जयकार होगी, एवरीथिंग यू कैन मेक आउट फ्रॉम आयादि षडवर्ग। देन आई विल कवर कांकणी चक्र, ओके, आई विल कवर डेट ऑफ बर्थ एंड वास्तु। कांकड़ी चक्रा में आप ये बता सकते हो आपका नेटिव ये कहता है कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मुझको एक फैक्ट्री दिल्ली में लगानी है, क्या दिल्ली में मैं फैक्ट्री लगाऊं मुझको सूट करेगी? तो आप कांकड़ी चक्रा की पद्धति से बता सकते हो कि दिल्ली में फैक्ट्री आपको सूट करेगी या नहीं करेगी, ये भी मॉडर्न वास्तु में कोई नहीं पढ़ाता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और वास्तु, ये आजकल बहुत इसका एक तरह से कहते हैं ना भेड़ चाल या फैशन चल रहा है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट मंथ और ईयर से आप कैसे जान सकते हो कि आपके घर का वास्तु कैसे बिगड़ा हुआ है या कौन सी डायरेक्शन आपको ठीक करनी है। हाँ जी सर, सर पत्री से भी वास्तु पता चलता है ना? हाँ, वास्तु से, उसको हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं, वो अभी हमने डिस्कस किया था, तो पत्री से भी पता लगता है। यस सर, क्या मकान की भी कोई वास्तु होती है, वास्तु की भी कोई कुंडली होती है क्या सर? अब उसको देखो, उसको लाल किताब कुंडली कहते हैं, एक तो वो तो अलग चैप्टर है, अब आजकल लोग उधर कम जा रहे हैं। आजकल कृष्णमूर्ति पद्धति की जो एस्ट्रोलॉजी है नक्षत्र बेस्ड, उस नक्षत्र का मकान से लिंक हो जाता है,
तो कुंडली देख के पता लग जाता है कि इसके घर में क्या चीज गलत रखी है। होता क्या है, देखो जब दशा भुक्ति अंतरा किस किस की चलेगी, किसी की दशा चलेगी महादशा चलेगी अंतरदशा चलेगी जी। होता क्या है, जब अंतरदशा आई और उसकी ऐसी अंतरदशा आई उसको फाइनेंशियल लॉस होना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लाल घर के नॉर्थ में जाके ना लाल दीवार कर देगा या कुछ वहां पे पढ़ दे लाल टाइम देगा, कुछ ऐसी चीज कर देगा, उसका नॉर्थ डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यंतर दशा से हमें पता लग जाता है कि ये क्या क्या गलती अब कर सकता है अपने घर के अंदर, क्योंकि दशा अंतर दशा के हिसाब से हमारा दिमाग जो है थिंकिंग करता है। आपने सुना होगा ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपने सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरी दशा आती है तो दिमाग भी बुरा हो जाता है, जो आपके वेल विशर है उसका ना सुन के अपने दुश्मनों के अंडर में आ जाते हो। जब हमारी दशा भुक्ति अंतरा अच्छी चलती है तो फिर हमें पहचान होती है कि ये आदमी हमारा अच्छा है। तो जब सर ये पूरा हाँ, जब प्रत्यंतर दशा खराब आएगी तो आप अपना वास्तु खुद ही खराब कर लेता है आदमी। सर ये पूरा अलग चैप्टर है क्या, एस्ट्रो वास्तु इज ऑल टुगेदर अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू लर्न एस्ट्रोलॉजी केपी, देन यू विल हैव टू लर्न वास्तु, आफ्टर दैट ओनली यू कैन इंटरकनेक्ट एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। क्योंकि अगर जैसे एस्ट्रोलॉजी में आ रहा है कि इस जोन में या इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है और हमें वास्तु के द्वारा उसको डिवाइड करके हमको जोन पहचान में नहीं आ रहे, तो हम एस्ट्रो वास्तु कर नहीं पाएंगे ना। तो अगर पूरा ज्ञान लेना है तो पहले वी शुड गो इन सीक्वेंस, वी शुड डू आइदर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु फर्स्ट। इफ वी आर डूइंग वास्तु देन वी शुड फॉलो केपी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि केपी का वास्तु से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि केपी काम करता है नक्षत्रों पे और वास्तु में भी नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आप केपी करो, देन यू गो फॉर एस्ट्रो वास्तु, ओके, यू गो इन स्टेप्स। और उसके बाद जो हमारी रेमेडीज होंगी, दीज आर द मोस्ट पावरफुल रेमेडीज, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। कोई भी रेमेडी देता नहीं है, देता है तो कुछ लिमिटेड रेमेडीज देता है। रेमेडीज के लिए ना तो कोई बुक मिलती है, गूगल पे भी सर्च करते रहो तो कोई नहीं मिलता है कहीं पे भी। कॉम्प्रिहेंसिव रेमेडी जिसको हम कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं और किस परिस्थिति में कौन सी रेमेडी करनी है मैं वो लगा सकता हूँ, तो इस तरह की रेमेडीज भी हम आपको इस कोर्स के दौरान देंगे। पूरा रेमेडीज बता सकते हैं सब? ऐसा पूरे का कोई एंड नहीं होता, पर इतनी इक्विप्ड हो जाओगे तो यू कैन डू रेमेडी, ओके, मतलब इतना रेमेडी मिल जाएगा कि यू कैन स्टार्ट डूइंग योर, यू कैन टेक वास्तु कंसल्टेंसी एज ए प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशन लेके इसमें आप पैसा कमा सकते हो वास्तु में। इस लेवल पे मैं आपको लेके आ जाऊंगा कि आप क्लाइंट के पास जाके आप कंसल्टेंसी का काम शुरू कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ ये वाला कॉन्फिडेंस आना कि मैं जाके वास्तु कंसल्टेंसी करूँ, कम से कम चार चार पांच पांच साल लग जाते हैं। एंड आई एम नॉट बोस्टिंग, कहीं पे भी चले जाओ नोबडी गिव्स द कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। रेमेडीज करके देखेंगे तो एक तो ऐसा रेमेडीज आप करके देखेंगे तो मैं मुझे फायदा होता है सर, अच्छा बहुत फायदा होता है। वास्तु की रेमेडी 40 दिन के अंदर काम करती है, ऐसी ऐसी कंपनियां जो बंद पड़ी हुई है वो मैंने 40 दिन के अंदर खुलवाई है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि निसंतान है, बच्चे नहीं हो रहे, 40 दिन के अंदर उनको खुशखबरी आई है। तो वास्तु बहुत मैजिकल चीज है। ऐसी कंपनी है जो अभी मेरठ के अंदर एक ने खोली थी, उसकी वाइफ ने बहुत बड़ा प्लांट लगाया था, शी वॉज गेटिंग वेरी गुड ऑर्डर, फिर 2 साल बाद पता लगा उसके ऑर्डर आने बंद हो गए और जो पुराने उसके ऑर्डर थे वो सारे कैंसिल हो गए और जो उसका जो पुराना माल बना हुआ था वो खराब होना शुरू हो गया। दे रैंग मी अप, आई वेंट देयर, उन्होंने पिछले 2-5 महीने पहले कुछ चेंजेस कर दिए थे, जब उनका काम बढ़ गया तो उन्होंने कुछ चेंजेस करे थे बिना मुझे बताए। वास्तु दोष उसका ठीक कराया, प्रॉपर जो उसका जो रॉ मेटेरियल था उसको सही जगह रखवाया, जो माल बन के आता है फाइनल प्रोडक्ट उसको सही जगह रखवाया, दरवाजा उनके ठीक कराए, 40 दिन के अंदर उनके जो पुराना ऑर्डर जो अटका पड़ा था उनको दोबारा रीऑर्डर होके मिला। तो वास्तु की जो रेमेडी ठीक हम लगाए और समझ जाए कौन सी रेमेडी कहाँ लगानी है तो मैजिकल रूप से काम करती है, ओके। हाँ जी,
सर एक चीज पूछनी थी, तो अभी जो मैं वास्तु कोर्स के अंदर मतलब ये जितनी चीजें जो आपने बताया सर, जैसे पिरामिडोलॉजी और ट्रेडिशनल वैदिक वास्तु, मॉडर्न फेंगशुई, ये सारे मतलब इसमें कंपाइल वे में सब आएंगे सर, ये सारे होंगे, सबके पार्ट होंगे सर, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे क्लासिक्स का तो एकदम बेस्ट प्रैक्टिस है, बहुत बड़ा पोर्शन आएगा, ओके जी। मॉडर्न वास्तु का बहुत बड़ा पोर्शन आएगा, क्योंकि मॉडर्न वास्तु के अंदर एलिमेंट बैलेंसिंग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पर पिरामिडोलॉजी का मैं वो पोर्शन लूंगा जो कि बहुत एसेंशियल है, जैसे आपको जैसे आपको मेन गेट की रेमेडी करनी है तो मैं पिरामिडोलॉजी से बहुत अच्छी हो सकती है, या आपको टॉयलेट की रेमेडीज करनी है तो यू कैन डू वेरी गुड विद पिरामिडोलॉजी, तो दैट पोर्शन आई विल टेक। देन देयर आर समथिंग इन फेंगशुई, कुछ खास कंडीशन में फेंगशुई की रेमेडी बहुत उपचार उपदायक होती है, तो वो पोर्शन लूंगा। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है ना, यू विल गेट बेस्ट, देखो बीच में लिखा है बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपके पास हर सॉल्यूशन की रेमेडी होगी, आपके ऊपर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं वैदिक का वास्तु कंसल्टेंट हूँ, जैसे आजकल ठप्पा होता है ना लोगों पे, लेबल लगा होता है, लोग कहते हैं जी मैं तो मॉडर्न वास्तु का हूँ, some people feel very pride कि भाई मैं तो वैदिक वास्तु हूँ, I am, है ना, they feel very pride कि संस्कृत के श्लोक बोल के I am a classical वास्तु consultant, but they are handicapped क्योंकि दिशा तो ठीक कर दी, element ठीक नहीं करा तो result नहीं आएंगे जी, ठीक है, gate को वो ठीक नहीं करवा पाओगे, gate के लिए उनके पास बहुत कम, वो कहेंगे घोड़े की नाल लगा दो, इस तरह की चीजें करते हैं जो आज के मॉडर्न टाइम में लोग लगा नहीं पाते हैं, ओके जी। हेलो, हमको देश काल पात्र के हिसाब से चलना पड़ता है। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ जी सर, सुन रहे हैं आप? मैं म्यूट कर रहा हूँ अभी दोबारा सबको, अब किसी को क्वेश्चन पूछना है अब पूछे जी, हाथ खड़ा करके, हाँ किस कौन पूछ रहा है, कुछ कोई कुछ पूछ रहा है सर? मैं विनोद बोल रहा हूँ। हाँ राखी जी पूछिए, माइक ऑन कर दीजिए अपना, राखी प्लीज, राखी जी प्लीज अपना माइक ऑन कर दीजिए। हाँ सर, क्रिस्टल के बारे में आपका क्या कहना है? क्रिस्टल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टल के अंदर भी जो जैसे कि वैदिक के अंदर हम लोग जेम्स यूज करते हैं, तो एक रत्नादि रेमेडी होती है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी का नॉर्थ ईस्ट कमजोर है तो जुपिटर के लिए येलो सफायर लगाते हैं, नॉर्थ के लिए मर्करी के लिए हम एमरल्ड लगाते हैं, या नौ की नौ डायरेक्शन में हम तरह तरह के जेम्स लगाते हैं। तो राखी जी उसका आजकल मॉडर्न टाइम में ये है कि आपको नौ तरह के येलो सफायर और ये एमरल्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आप जेम्स ले सकते हो, क्योंकि जेम्स बन जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल बनते हैं सिलिकन ऑक्साइड के, सिलिकन ऑक्साइड का जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप उसके आगे जो भी मंत्रा बोलोगे, सपोज यू से ओम नमः शिवाय, 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 यू चांटेड 108 बार ओम नमः शिवाय इन फ्रंट ऑफ क्रिस्टल, जैसे राखी जी ने कहा, और उस क्रिस्टल को लेके आपने उसकी एक ग्रिड बना के क्रिस्टल की ब्रह्म स्थान के नीचे राखी जी दबा दोगे, उस बिल्डिंग के अंदर पूरी लाइफ ओम नमः शिवाय रेजोनेट होता रहेगा, क्योंकि जो सिलिकॉन ऑक्साइड का जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो जो भी मंत्र आपने बोला है उसी के हिसाब से अपने को स्ट्रक्चर कर लेता है। तो क्रिस्टल आल्सो इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी, वेरी पावरफुल रेमेडी, पर उसके अंदर जो प्रॉपरली उसको चांटिंग करके लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर बैड एनर्जी राखी जी पास होगी तो वो बैड रिजल्ट देने लगता है, क्योंकि क्रिस्टल क्रिस्टल में जो एनर्जी आप पास कर रहे हो, जो थॉट प्रोसेस वो ही चला जाता है, तो उसको अच्छे मंत्र बोल के और आप जो है लगाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और कोई कुछ और कोई एनीबॉडी एल्स? रॉय साहब यू आर आस्किंग सर। हां सर, श्रीनिवास बोल रहा हूं, मैं श्रीनिवास बोल रहा हूं सर। हां सर, विनोद बोल रहा हूं। हां बोलिए बोलिए। हाँ, एक रेमेडी भी इस वीडियो में करके देखेंगे तो अच्छा होता है, फायदा होता है सर, रेमेडी भी एक और दो रेमेडी करके देखेंगे तो नहीं फायदा होता है, इट इज अ प्रूवन, उसको करके क्या देखना है, दिस इज लाइक डॉक्टर साहब बोलो कि मैं देखूं दवाई खा के फायदा होता, नहीं होता है, रेमेडी वर्क्स, अदरवाइज व्हाट इज वास्तु ऑल अबाउट, भाई मैं वास्तु कर दूं रॉय साहब, आई डू वास्तु एंड आई डोंट अप्लाई रेमेडी,
उससे कोई आसान नहीं हुआ तो फिर why should client should call me for the vastu rectification? अगर remedy काम नहीं करेगा then तो फिर vastu की जरूरत ही क्या है? Remedy works and it works, it works within 40 days. मैंने आपको कितने सारे अभी example दिए. हाँ आप कुछ पूछ रहे थे. हेलो. हाँ ये सर विनोद जी. सर गीता सेठी बोल रही हूँ. हाँ गीता जी बताइए. सर मैं ये जानना चाह रही हूँ जो आप एस्ट्रो वास्तु कराएंगे उसमें जो आप दशाएं लेंगे तो जैसे ईस्ट लेंगे आप तो उसको सूर्य के साथ कनेक्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल 100%. और भी मेरे को बताइए जैसे वेस्ट उसमें जैसे आप 16 जी, अभी जी. सिर्फ वास्तु का क्वेश्चन पूछिए क्योंकि ये क्लास वास्तु के बारे में. इफ आई गो इन एस्ट्रो वास्तु तो मैं डीरे ले जाऊंगा. सर स्कैनर क्या है? स्कैनर स्कैनर एनर्जी नापने के लिए होता है. तो ये तो ये भी वास्तु में ऐसा होता है. जो पिरामिडोलॉजी होती है पिरामिडोलॉजी में हम पिरामिड लगाते हैं. अभी राखी जी ने कहा था कि क्रिस्टल लगा सकती हूँ. क्या है हम स्कैनर से पहले नाप लेंगे कि यहाँ की एनर्जी कितनी है. ठीक है देन वी पुट क्रिस्टल देयर. उसके बाद भी हम एनर्जी लेवल लगा के देख सकते हैं स्कैनर से कि यहाँ पर क्रिस्टल लगाने से मेरी एनर्जी कितनी बूस्ट हुई है. या आप कहीं पे हेलिक्स लगाते हो. साउथ वेस्ट में आपने किसी के हेलिक्स लगाया ठीक है और आप देखना चाह रहे हो कि हेलिक्स लगाने से यहाँ की एनर्जी पे कुछ फायदा हुआ भी या नहीं हुआ. तो हेलिक्स लगाने से पहले आप मेजर कर लोगे कि यहाँ पे कितनी एनर्जी है. हेलिक्स लगा के भी आप मेजर कर सकते हो कि कितनी एनर्जी है. तो स्कैनर इज आल्सो अ वेरी पावरफुल टूल. हेलिक्स यानी क्या है सर? हेलिक्स यानी हेलिक्स क्या है? हेलिक्स भी एक तरह से यंत्र होता है. तो एलिमेंट को एनहांस करने के लिए वी यूज हेलिक्स. अब देखो मॉडर्न वास्तु के अंदर बताते हैं कि एलिमेंट को बैलेंस करो. दे ओनली टेल कि मेटल से कर दो या कलर से कर दो. जबकि हेलिक्स इतना पावरफुल टूल है कि आप जो है कोई भी जोन अगर कटा हुआ भी है या जैसे मैंने एक बार एग्जांपल लिया था ना कि एक क्या मैं गया था एक क्लाइंट के यहाँ उसके नॉर्थ में लाल रंग का कलर था वो चेंज करने को तैयार नहीं था. तो आप एलिमेंट के द्वारा हेलिक्स से उसको एनहांस कर सकते हो. या जैसे किसी का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है आप मिरर लगाओगे मिरर से बहुत ज्यादा एनर्जी बूस्ट अप नहीं होगी. मान लो नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा कटा हुआ है. अब नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा आपको पॉजिटिव बढ़ानी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एनर्जी सही होनी बहुत जरूरी है. नहीं तो घर के बच्चों पे और इनकम पे न्यू अपॉर्चुनिटीज पे फर्क पड़ता है. तो वहां पे हम हेलिक्स लगा के एनर्जी बूस्ट अप कर सकते हैं. तो हेलिक्स आप ना तो एंशियंट में पढ़ोगे ना आप मॉडर्न में पढ़ोगे. पर दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव रेमेडी दैट आई विल कवर. और कोई किसी का क्वेश्चन है? आपने अभी बोला कि आपको नॉर्थ में जैसे नॉर्थ में आपके क्लाइंट के रेड कलर था उनको अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. यहाँ पे आता है कि आपने हेलिक्स लगाया तो वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी अब आ रही है सर. हाँ आवाज आ रही है. नहीं मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हेलिक्स लगा के बहुत कुछ कर सकते हो. सर मेरा क्वेश्चन ये है आपने बोला कि नॉर्थ में उस क्लाइंट के घर में रेड कलर था उसको अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम थी. आपने वहाँ पे हेलिक्स लगाकर उस जोन को बूस्ट कर दिया तो उसके नेगेटिव एनर्जी बूस्ट नहीं हेलिक्स? नहीं नहीं नेगेटिव नहीं. देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. हेलिक्स को अगर उल्टा लगा दो हेलिक्स की ये ब्यूटी है. इफ यू पुट इट अपवर्ड देन इट विल एनहांस द एनर्जी. आप इसको उल्टा लगा दोगे तो एनर्जी ये नीचे ले जाता है. तो इसके भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए. आप एकदम से हेलिक्स नहीं लगा. लेकिन सर वॉल पे कैसे लगा सकते हैं हेलिक्स? वॉल पे भी लगता है क्यों नहीं लगता है? वॉल पे भी लगा सकते हो. आपको हेलिक्स लगाने की भी अलग अलग टेक्निक्स होती है दैट आई विल टेल यू. सर हेलिक्स डायरेक्शन होती है. हेलिक्स से भी आप ऊर्जा ऊपर ले जा सकते हो. हेलिक्स ही ऊर्जा को नीचे भी ले जाता है. हाँ अलग अलग मेटल में आता है. पांच एलिमेंट के लिए पांच एलिमेंट में आता है. ब्रॉन्ज में भी आता है ब्रास में भी आता है अलग अलग मेटल में आता है. सुनो अभी दिस इज नॉट ए रेमेडी क्लास. मैं आपको बता रहा हूँ कि देर आर 1000 ऑप्शंस. आप हेलिक्स से भी कर सकते हो पिरामिड से भी कर सकते हो कलर से भी कर सकते हो मेटल से भी कर सकते हो. अब हो सकता है अब ब्रश अब बात सुनो नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है. अब केस टू केस है. मैं वहाँ ब्लू का
सुनो, मैं गुरु का यंत्र भी लगा सकता हूँ वहाँ, जरूरी थोड़ी है कि मैं शीशा ही लगाऊं, है ना। मैं दिग्दोष नाशक यंत्र भी लगा सकता हूँ। बहुत सारी रेमेडी होती है, इतनी सारी रेमेडीज हैं, हमको सिर्फ रेमेडी केस टू केस करनी आनी चाहिए। हमको अगर ये डिपेंडेंट हो गए कि बस मैं मेटल से करूंगा और कलर की वो पट्टी लगा दूंगा, डब्ल्यू सी के चारों तरफ मैंने ये पट्टी लगा दी टेप, एक तो वो अच्छी नहीं लगती, लोग हंसते हैं आके आपने वो पट्टी लगा दी, या मेटल लगाओ, अरे इतने सारे ऑप्शन है, वो ऑप्शन नहीं लग पा रहा आप दूसरा लगाओ, दूसरा नहीं लग रहा तो तीसरा लगाओ। आप यू शुड नॉट बी हैंडीकैप्ड टू द वन थॉट ऑफ स्कूल। हमारे पास रेमेडी हर जगह की बेस्ट रेमेडी होनी चाहिए। बहुत कुछ यूज करते हैं, देखो सिंपल यूज, देखो सुनो, लिसन टू मी, रेमेडी के लिए आप तंत्र यूज कर सकते हो, मंत्र यूज कर सकते हो, यंत्र यूज कर सकते हो, सिंबल यूज कर सकते हो, कलर यूज कर सकते हो, हेलिक्स यूज कर सकते हो, व्हाट नॉट। इसके अलावा वो इसलिए हो रहा है कि सब लोग एक साथ बोलते हैं। नहीं नहीं, ये बहुत डिटेल में रेमेडी में मत जाओ, रेमेडी इतना डिटेल सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शंस। आप तंत्रा, यंत्रा, मंत्रा, जेम्स, अब उन्होंने बोला क्रिस्टल, तो जेम की जगह क्रिस्टल भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद फेंग शुई में कितनी चीजें आती हैं, आप जो है बांसुरी लगा सकते हो, आप कछुआ लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कन्वेंशनल चीजें, अब आपने सुना है सप्त अनाज, सप्त अनाज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, दिवाली सप्त अनाज होता है, उसको दिवाली के दिन आप सेफ रखो, लक्ष्मी आती है, है ना। और आपको पता है कि गोमती चक्रा की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, और दक्षिणामुखी शंख की इम्पोर्टेंस होती है, हर चीज की। दूसरे बात यंत्राज है, दिग्दोष नाशक यंत्रा है, मत्स्य यंत्रा है, आप इन चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप लोग शॉप्स पे जाओगे, आपको दिग्दोष नाशक यंत्रा या आपको जो है तरह तरह के यंत्रा मिलते हैं, तो वो लोग भी यूज करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको यंत्र लगाना आता है तो आपको पिरामिड लगाना नहीं आता, आपको पिरामिड लगाना आता है तो आपको जो है कलर थेरेपी करनी नहीं आती, आपको एंटी कलर नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मैं नॉर्थ के अंदर लाल रंग कर देता हूँ। तो आपको मल्टी, आपको 360 डिग्री डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी 100% क्लाइंट। सर ये कैसे पता चलेगा किसके लिए क्या यूज करना है, मतलब कौन सी रेमेडी करनी? वो देखो, अभी तो एक भी चीज नहीं सीखी, अभी तो देन यू विल लर्न क्लासिक, देन यू विल लर्न, इसी कोर्स के अंदर यू विल लर्न बेस्ट ऑफ क्लासिक, देन यू विल लर्न बेस्ट ऑफ वो, देन आई विल टेल यू कि एलिमेंट के लिए क्या करना है, देन आई विल टेल स्पेसिफिकली कि साउथ वेस्ट में अगर अभी मैं एक का रेजिडेंस करने गया था, साउथ वेस्ट के अंदर उन्होंने क्या क्या हुआ, एक नीचे 5 फुट का 6x6 का कमरा टाइप बनाया हुआ था, उसके लिए 6 स्टेयर नीचे उतरना पड़ता है, और उसके बाद पेंट्री थी। बस साउथ वेस्ट के अंदर 6x6 का एक रूम था, वो भी 5 स्टेयर उतर के नीचे। तो अब इसमें कितने सारे फॉल्ट हो गए, अगर किसी को वास्तु की नॉलेज है, एक तो साउथ वेस्ट में पेंट्री, वो किचन, वो भी गड्ढे के अंदर, साउथ वेस्ट में भी गड्ढे के अंदर कितने, अब वो एनर्जी है, अब बन गया तो बन गया, उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था, दे आर रनिंग स्कूल, नाउ दे आर सेइंग कि मैं इसे कैसे ठीक करूं। अब इस रेमेडी को मैं अगर मैं खाली वैदिक से पढ़ा होता तो भी नहीं कर सकता था, खाली मैं मॉडर्न वास्तु से करूंगा तो भी नहीं कर पाऊंगा। आई हैव नॉलेज ऑफ बेस्ट नॉलेज ऑफ ऑल द फील्ड्स, क्योंकि मैंने बहुत टाइम डिवोट किया है, मैं नहीं चाहता कि सब लोग इतना टाइम डिवोट करें, तो व्हाट मेरा जो पर्पज है सबको एक ही कोर्स में बेस्ट प्रैक्टिस हो। तो साउथ की एनर्जी, सर एक चीज समझना था सर, सर एक चीज, सर ये जो रेमेडीज है वो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल के सब सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। सर वास्तु हीलिंग को क्या काम करता है? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल के लिए बहुत एडवांस होती है, वो भी मैं शुरू करूंगा। लिसन, जो इंडस्ट्रियल होता है, रेजिडेंशियल में तो 16 जोन में डिवाइड करके हम रेमेडी करते हैं सारी टेक्निक से, बट वेन वी गो इंडस्ट्री हमको देखना पड़ता है कि स्टील की इंडस्ट्री है, कॉटन की है, फिर हमको एनर्जी फील्ड के हिसाब से जो 45 देवता है उनके हिसाब से एनर्जी की है। सर वास्तु हीलिंग क्या सर, तो ये इंडस्ट्रियल वाला भी अपने इस कोर्स में कवर करेंगे सर?
नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है। इसमें पहले ही मैंने बेस्ट कोर्सेज लेके मैं इसको 16 से 18 सर इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ रेसिडेंशियल वाला ही कवर होगा, कमर्शियल डॉन से सिर्फ इसके अंदर मैं कितनी चीजें लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं आपको एंशियंट, आपको क्लासिक पढ़ा रहा हूँ पूरा वास्तु, पूरा मैं इसके अंदर आपको मॉडर्न वास्तु पढ़ा रहा हूँ, पिरामिडोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, फेंग शुई की रेमेडी बता रहा हूँ। आप कह रहे हो सिर्फ व्हाट डू है ना, ऐसा मत बोलो सर, इसमें केपी भी इंक्लूडेड है। सारी चीजें आप बोलो एक ही चीज आएंगे, पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रो वास्तु अलग सब्जेक्ट है, इंडियन वास्तु का अलग सब्जेक्ट है, उसमें तो स्टील की फैक्ट्री का कैसे वास्तु करना है वो एक चैप्टर है, ठीक है। टोबैको की इंडस्ट्री है, उसके लिए कौन से देवता एनर्जी है, कौन कौन से देवता आइडेंटिफाई करना है, उसका एक चैप्टर है। सारी चीजें एक साथ नहीं आ सकती, आप एक कुछ भी इंक्लूडेड है क्या? नहीं नहीं, एक एक करके पूछ लो प्लीज, एक एक करके। वास्तु में केपी भी इंक्लूडेड है क्या? नहीं, केपी नहीं, केपी एस्ट्रोलॉजी, देखो केपी एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इट्स अ सब्जेक्ट। केपी एस्ट्रोलॉजी, एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। केपी एस्ट्रोलॉजी इंडिपेंडेंट, यस यस पायल जी बोलिए। मैम सर ये पूछ रही थी कि जब आप क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे तो इसी तरह ग्रुप में क्लासेस कंडक्ट होंगे ना? हाँ ग्रुप में होंगी, पर उसमें आई विल फॉलो डिसिप्लिन, आई विल कीप एवरीबॉडी म्यूट। अभी तो इंटरैक्टिव हो रहा है, एवरीबॉडी इज स्पीकिंग इन हैप्पी दैट ऑनर। पायल जी, पायल जी, एक घंटे का सेशन है और सब लोगों की क्वेरी है, तो आई एम एंटरटेनिंग। जब ये कोर्स होगा तो आई विल टेक क्वेश्चन इन ऑर्डर, आई विल कीप एवरीबॉडी। हमें रीडिंग मटेरियल्स भी मिलेगा, रीडिंग मटेरियल मिलेगा और हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, दैट यू कैन प्ले अगर इफ यू मिस अ सेशन बाय चांस बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर, और आफ्टर सम टाइम यू वांट टू हियर माय वीडियो, तो माय ऑल 16 वीडियोस विल बी विद यू एंड यू विल गेट द पीडीएफ स्टडी मटेरियल ऑन योर मेल एवरी टाइम। सर वास्तु की नहीं, हां स्टडी मटेरियल कौन से लैंग्वेज में रहेगा? क्या कर रहे हो? स्टडी लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में रहेगा? हिंदी, अंग्रेजी? स्टडी मटेरियल विल बी इन इंग्लिश, ऑल स्लाइड्स विल बी इन इंग्लिश, medium of instruction will be mix of Hindi and English, जैसे मैंने आज पढ़ाया ना, ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा हिंदी इंग्लिश मिक्स में। नहीं नहीं, अगर हमें पढ़ना है लेकिन इंग्लिश नहीं आती तो क्या करें फिर? नहीं क्या नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है पढ़ने, अब ये है कि देखो स्लाइड्स तो मेरे इंग्लिश में, विक्रम जी माई, हेलो हेलो विक्रम जी, my slides are in English, I will explain in a mix of Hindi and English, PDF file I provide in English, but I will provide you in Hindi also, don't worry, PDF file I will provide you in Hindi, but are you comfortable with my language? Hindi में आपको PDF मिल जाएगा, पर जो मेरी slides हैं वो सारी English में रहेंगी, क्योंकि मेरे client international भी होते हैं, Hong Kong, US, अमेरिका से भी आते हैं, तो क्योंकि इंग्लिश सब लोग ज्यादातर पढ़ लेते हैं और जो मैं पढ़ाता हूँ दैट इज ऑल इन हिंदी इंग्लिश मिक्स, वो सब समझ लेते हैं। मैं आपको पीडीएफ हिंदी में अलग से भेज दूंगा। आप देवता फील्ड भी कवर करेंगे? देवता बहुत इलोबरेट सब्जेक्ट है, जो इंडस्ट्रियल वास्तु हम करते हैं उसके साथ देवता पे काम होता है। रेजिडेंशियल में तो है 16 जोन को हम लोग बैलेंस करते हैं एलिमेंट को, जो इंडस्ट्रीज होती है उसको हमको देवता के हिसाब से बैलेंस करना होता है, तो दैट इज एडवांस। सर इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड फैक्ट्रीज? या इंडस्ट्री इंक्लूड फैक्ट्रीज एंड कमर्शियल, दिस इज अ वेरी एडवांस कोर्स। आई टेल यू व्हाट, देयर आर ओनली 2 persons हु कंडक्ट ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल वास्तु, एंड डू यू नो व्हाट इज द फीस ऑफ देयर स्ट्रक्चर? डू यू नो दे चार्ज मोर देन 3.5 लाख, एक 5.5 लाख रुपया लेता है, एक 4.5 लाख रुपया लेता है, बट मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं इंडस्ट्रियल वास्तु कराऊंगा आपको बहुत रीजनेबल रेट पे, एंड आई विल गिव यू द मटेरियल एट पार इफ नॉट बेटर, ओके। उसके अंदर मैं आपको पूरे 45 देवताज के बारे में, और वन मोर थिंग, अभी जो लोग पढ़ाते हैं देवताज को दे टीच इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फील्ड, ओके, बट जो आज जो एनर्जी फील्ड है इनकी जो बैकग्राउंड है वो यू कैन ट्रेस और यू कैन लिंक विद द एसोसिएटेड देवताज। जब तक आप एनर्जी फील्ड को माइथोलॉजिकल देवता से लिंक नहीं करोगे आप एनर्जी फील्ड नहीं समझ सकते। अभी मैंने आपको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में किताब रखने की स्टोरी सुनाई थी,
शिव पार्वती की, नाउ कैन यू कोरिलेट सुग्रीव द देवता विद द एनर्जी फील्ड ऑफ द वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, कैन यू कोरिलेट विक्रम जी? हाँ जी सर बोलिए ना। नाउ यू कैन अब आप कोरिलेट कर सकते हो ना कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में सुग्रीव नाम के जो देवता थे उनकी मेमोरी अच्छी थी, इसीलिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में मैं किताब रखता हूँ, तो वहां का जो एनर्जी फील्ड है बच्चे का इंक्लिनेशन किताब की तरफ डाल देता है और वहां पे कम उसको बहुत जल्दी वो चीजें मेमोराइज होती है। यस सर सर वास्तु हीलिंग क्या काम करता है सर, वास्तु हीलिंग कहाँ तक सही है? अरे इसमें अलग अलग चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। वास्तु हीलिंग क्या है, इंटीरियर डेकोरेशन ने वालों ने शुरू किया है क्लाइंट, इंटीरियर डेकोरेटर वालों के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि वास्तु करो, तो आई नो टू थ्री फ्रेंड, मेरी दो तीन फ्रेंड्स हैं वो हीलिंग करती हैं, वो पता नहीं आई एम नॉट दैट मच वो सब एनर्जीज का ही है। एट द एंड ऑफ द डे आपको जो हील करना है एनर्जीज करना है। और किसी का क्वेश्चन है? आई विल टेक टू मोर क्वेश्चंस ओनली। ओके सर एक घोड़ू है सर, अभी साउथ वेस्ट का जिक्र आपने किया सर कि बुक साउथ वेस्ट में होगा तो बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्थ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यस यस सर अभी तो ये थोड़ा क्लियर नहीं है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वो अभी क्लियर नहीं होगा बिकॉज़ यू हैव नॉट स्टडीड इट इन डिटेल, स्टडी टेबल भी, दिस इज द जोन बिटवीन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, आपका जो वेस्ट डायरेक्शन है एक साउथ वेस्ट है, उसके जो बीच का पोर्शन है दैट इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। सर स्टडी टेबल भी साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ऊपर वहाँ पे बुक्स जरूर होनी चाहिए जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स है या जिसमें वो वीक है, एंड योर चाइल्ड टू स्टडी और मास्टर दैट सब्जेक्ट, इवन आप वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो पुट योर थिंग्स रिलेटेड टू पासवर्ड इन योर बेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, तो आप बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो। कहाँ कनेक्ट हो रहा है और कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ जी, अब कोई अपना हैंड रेज करे, क्वेश्चन पूछ रहा है, आई विल टेक टू क्वेश्चन देन आई विल साइन ऑफ, क्योंकि मेरा भी सर आपका क्लास, मेरा आपका क्लास जो है, माय क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 23rd। ओके, एंड व्हाट टाइम सर? It will be at 7 o'clock, 7 p.m. same time जिस पे आज डेमो रखा है। फी कितनी है सर? इसकी फीस है 9,500 रुपए। और कोई किसी का क्वेश्चन है? सर ये वाले कोर्स में आप पूरा रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का पूरा वास्तु बता देंगे, उसके लिए फिर हमें कुछ और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। You don't have to roam around, जैसे कि मुझे भटकना पड़ा था या मुझे not only me, सबको भटकना पड़ता है। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है which give complete knowledge, ना कोई बुक ऐसी है। होता क्या है कि एक टीचर से आप अपना, because सबका वास्तु का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, नॉट एवरीबडी फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट, तो एक टीचर आपको एक तरीका सिखाते है, एक लॉजिक समझाते है, फिर दूसरा टीचर का अपना खुद का लॉजिक होता है, तो वैसे क्या होता है ना, आपको समझ, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि वो सही है कि ये सही है। वो इसलिए है ना, अब उसने आधा चीज करा दी, जैसे मॉडर्न वास्तु ने उसने एलिमेंट बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छा करा दिया, ठीक है, तो एक चीज में तो आप बहुत ही स्ट्रांग हो गए, आप किसी भी रेजिडेंस में जाओगे आप उसकी एलिमेंट बैलेंसिंग तो बहुत बढ़िया करोगे, पर जब आपने उसकी दिशा नहीं ठीक करी, अगर उसका साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, उसके बार बार एक्सीडेंट होंगे, उसकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, कभी उसकी नौकरी लगेगी, कभी उसकी नौकरी छुट्टी होगी, कभी एक बिजनेस लगेगा, एक बिजनेस छूटेगा। अगर साउथ वेस्ट आपने ठीक नहीं करा, एलिमेंट बैलेंस करके आ गए, तो वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। इन द सेम वे आपने दिशा ठीक कर दी साउथ वेस्ट की, आपने एलिमेंट बैलेंस नहीं करा, तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। Best result you will get only when you fix, first you fix the disha, first you fix the disha, direction, then you fix element, और उसके बाद appropriate problem, कि वो कह रहा भाई मेरा नॉर्थ ईस्ट में एनएडी में टॉयलेट है
और मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है, मैं इसको हटा ही नहीं सकता। तो यू कैन नॉट से टू योर क्लाइंट कि भैया इसको हटाओ डब्ल्यू सी को, तो उस वाले इस पिक्यूलियर कंडीशन को फिर मैं कैसे ठीक करूं, ये सारी नॉलेज मैं आपको दूंगा। अगर मैं खाली वैदिक से करके आ जाओगे तो आप एलिमेंट बैलेंसिंग बायोलॉजी कभी नहीं कर सकते, मेरे से आप लिखवा लो, उनको पता ही नहीं होगा बार चार्ट क्या होता है। सर प्लॉट का भी वास्तु आता है क्या? प्लॉट, हाँ प्लॉट का वास्तु, प्लॉट का वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसमें आयादी षडवर्ग उसी के तो अंदर लगता है। आयादी षडवर्ग है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कि प्लॉट की लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, तो इससे जो ओनर है इसको लाभ होगा या हानि होगी, इसको फेम मिलेगा या डिफेम मिलेगा। तो प्लॉट की आप डायमेंशन से पता लगा सकते हो, उसकी क्ले की क्वालिटी से। डू यू नो हमारे क्लासिक्स के अंदर जो लैंड है उसकी जो मिट्टी है क्ले की 16 क्वालिटीज है, तो इतने डीप हम नहीं जाएंगे, बट आई विल टेल यू आयादी षडवर्ग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, साउथ नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड है, साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है। अब साउथ ईस्ट किसी का अगर कटा हुआ है ना, उस घर में कैश की प्रॉब्लम रहेगी और उस घर की लेडी हमेशा बीमार रहेगी, आप लिखवा के रख लीजिए। या साउथ ईस्ट में गेट है, अब आप उसका मतलब हुआ आप उसका एलिमेंट बैलेंस करके आ गए, साउथ ईस्ट आपने ट्रीट नहीं करा। साउथ ईस्ट इज गवर्न्ड बाय वीनस प्लैनेट, वीनस पूरा फीमेल के ऊपर उसका होल्ड होता है। घर की जब गृहिणी बीमार रहेगी और सारा कैश सारा फैमिली जोन सारा का सारा साउथ ईस्ट से गवर्न होता है, तो यू मस्ट ट्रीट डायरेक्शन। वंस द डायरेक्शन इज फिक्स्ड, हाफ द प्रॉब्लम इज डन, देन यू फिक्स द ग्रिड, सॉरी देन यू फिक्स द एलिमेंट्स एंड देन यू फिक्स द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा था मेरा क्लाइंट कह रहा है मैं तो यहीं बैठूंगा इसी बीम के नीचे, कंपनी का सीईओ है, मैं उसको एक लिमिट से ज्यादा तो परस्यू नहीं कर सकता कि सर यहाँ से हटो, ही वाज एडमेंट कि वो यहीं बैठेगा। बीम के नीचे का जो सॉल्यूशन है वो मुझे फेंग शुई में ही बेस्ट मिला एंड इट गेव द रिजल्ट। आफ्टर टू मंथ आई गो देयर, सीईओ के सामने ही उसी के मैनेजर कह रहे हैं कि सर व्हाट मिरेकल यू हैव डन, 2 महीना हो गए ना तो ये हमें अब डांटते हैं, और ही हैज बिकम सो कूल, अदरवाइज हमको ये पूरे दिन डांट पड़ती थी और जो इनके क्लाइंट थे उनसे भी झगड़ा करके बैठ जाते थे एंड ही लॉस्ट फ्यू ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ दैट बैड हैबिट। और वो कह रहे थे कि मेरे अंदर बिहेवियर चेंज आ गया। वो क्यों आ गया? आप अगर बीम के नीचे बैठे हो, सारी स्ट्रेस बीम के नीचे है, उसकी नेगेटिव एनर्जी पास टू योर बॉडी, यू आर टेकिंग दैट एनर्जी एंड एब्जॉर्बिंग योर नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम 9 o'clock टू 6 o'clock, इट वॉज इम्पेक्टिंग योर बिहेवियर। ठीक है, उसमें फेंग शुई का जस्ट सिंपल फ्लूट लगाने से रेड रिवर पे लगा के 45 डिग्री पे दैट प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड। क्योंकि प्रैक्टिकली ओनर अगर अटक गया कि मैं तो नहीं करता, मैं तो ऐसे ही, अब आप सॉल्यूशन बताओ, तो हमें हमारे पास हर सॉल्यूशन होना चाहिए। सर साउथ ईस्ट का आपने सही बोला, मैं जो मेरे पुराने घर में रहती थी रेंटल था साउथ ईस्ट में, तो मैं वहां बीमार भी करती थी और मेरा एक्सीडेंट भी होता था। वो होएगा, साउथ ईस्ट इज ऑल फीमेल्स के लिए है बिकॉज़ इट इज वीनस किचन होती है, फीमेल्स वहां पर जाती हैं। सुनो, फीमेल्स गो इन साउथ ईस्ट, दे गेट वीनस से एनर्जी उनको मिलती है। जो लेडी, मैं तो अपने क्लाइंट के कहता हूँ, जो लेडीज विच आर फ्रॉम द वेरी गुड फैमिली और जो खाना नहीं बनाती है, उसको थोड़ी देर के लिए साउथ ईस्ट में जरूर जाना चाहिए फीमेल को, वहां से उनको एनर्जी मिलती है। वीनस जो है नारी शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो नारी हमेशा बीमार रहेगी, हाउस लेडी पक्का है। सर वन क्वेश्चन, सर ये नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर का इफेक्ट होता है, मतलब उसको वास्तु में आप कैसे लेते हैं? वो उसका होता है, उसके अंदर रियल। अगर कोई बंदा स्वीडन में या नॉर्वे में रहता है तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा, इंडिया के अंदर फॉर्चुनेटली हमको वो चीज नहीं देखनी पड़ती क्योंकि हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक ही डायरेक्शन में। नहीं, और जैसे ऑस्ट्रेलिया में इट कम्स इन द साउथ, तो उसके हिसाब से आप सोचते हैं कि इट विल बी डिफरेंट? यस यस, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से यू विल हैव टू मेक सम चेंजेस दैट आई विल टेल यू। आपका तो भी कवर होगा, आपका भी मैग्नेटिक नॉर्थ, आपका मैग्नेटिक नॉर्थ रहेगा पर आपका जो ट्रू नॉर्थ है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, दैट वेरिएशन यू हैव टू एडजस्ट, दैट आई विल टेल यू, बट इट इज नॉट डन फॉर इंडियन केसेस। ओके, बट मतलब थोड़ी कंफ्यूजन इस चीज में होती है बिकॉज़ दे से देयर सम थिंग्स कंट्री स्पेसिफिक, लाइक वी ट्रीट नॉर्थ वेरी गुड इन इंडिया, फॉर अस नॉर्थ इज द बेस्ट डायरेक्शन और आई से वन ऑफ द बेस्ट because it gives santan, progeny, dhan, sampatti,
अपॉर्चुनिटी सब नॉर्थ से आती है। आप अगर चाइना में जाओगे दे ट्रीट नॉर्थ एज द वर्स्ट डायरेक्शन बिकॉज जब वहां स्टॉर्म चलता है येलो सैंड उड़ती है तो वो नॉर्थ उनके नॉर्थ से येलो डस्ट आती है उससे वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो सम थिंग्स आर यूनिक टू द कंट्री टू कंट्री दैट आई विल टेल यू अगर उस कंट्री का कोई बंदा हुआ अदरवाइज नॉर्मल वास्तु में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। सर व्हाट अबाउट अगर हमारे रीजन में देयर आर हिल रीजंस आल्सो क्योंकि माउंटेन्स में फिर माउंटेन रीजंस में जाके थोड़ा सा आपका कंपास का डायरेक्शंस चेंज हो जाता है देयर इज नॉट अ परफेक्ट नॉर्थ और अ साउथ देयर इज यू हैव टू टेक मैग्नेटिक नॉर्थ यू हैव टू पुट योर कंपास ऑन द टेबल wherever that red needle stops that is your magnetic north you are on hills or on plain it doesn't matter aapko dekhne mein surya fark pad sakta hai par magnetic north will never lie okay it will always point to the magnetic sir north. I am done, sir. I am finishing dekho mera ek course ek meri class hai wo bar bar wo student mujhe phone kar rahe hain 8 o'clock sir I am ramesh from vishakhapatnam ha ramesh ji ha ji सर मेरे पास तीन क्वेश्चन है हम नेचर वास्तु कवर करते हैं नहीं करते आई एम टेरिबली सॉरी आई कैन नॉट टेक थ्री क्वेश्चंस विद यू आई एम टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन नेचर वास्तु जो कवर करते हैं यू कैन शूट ओनली वन क्वेश्चन वेरी क्विकली यू कैन शूट ओनली नेचर वास्तु को हम इसमें कवर करते हैं नहीं करते हैं क्या क्या नेचर वास्तु को हम कवर करते हैं नहीं करते हैं ये सब नेचर वास्तु तो है ये क्या है ये सब नेचर वास्तु तो है ईस्ट आप ठीक कर रहे हो तो ईस्ट इज नेचर नहीं सर यानी जैसा दो पहाड़ के बीच में हमारा घर आया तो उस वक्त कैसा है क्या है हाँ वो दैट थिंग्स आर गवर्न्ड वो तो सब कवर होगा ना वो सब कवर होगा सर कंपास क्या कोई अलग सा डिफरेंट कौन सा कंपास होता है सर कोई अलग कंपास होता है वास्तु के लिए सर देखो दो कंपास होते हैं एक को कहते हैं फ्लोटिंग कंपास ठीक है एक होता है पिवटल के अंदर डायल को चेंज करना पड़ता है ठीक है और मतलब उसमें जब मैग्नेटिक नॉर्थ आ जाता है देन यू हैव टू रोटेट द डायल टू अलाइन विद द नीडल और जो आर्मी पर्सनल यूज करते हैं उसको कहते हैं फ्लोटिंग और वो ऑयल कंपास भी कहते हैं ऑयल कंपास में यू डोंट हैव टू रोटेट द डायल जिस डायरेक्शन में नॉर्थ होगा उसी डायरेक्शन में डायल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है तो यही होना चाहिए सर फ्लोटिंग नो नॉट नेसेसरीली बस आपका पिवटल के देखो पिवटल आता है 200 रुपए का जी और जो ऑयल वाला आ जाता है 800-900 रुपए का 1000 का आ जाएगा अमेज़न पे तो ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं है पर पिवटल भी बहुत बढ़िया काम करता है इवन आजकल आप आईफोन है या एंड्रॉइड पे भी आते हैं कंपास वो भी यूज कर सकते हो ओके ठीक है तो सुनिए हेलो सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी हाँ सर क्लास कितनी देर की होगी जैसे 7 बजे स्टार्ट होगी और खत्म से लेके 8:30 7 to 8:30 और डेज एक्चुअली देयर विल बी 3 कंसेक्यूटिव क्लास फॉलोड बाय 1 ऑफ डे तो 3 क्लासेस 1 ऑफ डे ओके तो जैसे 23 को शुरू होगी तो 23 24 25 क्लास होगी 26 की छुट्टी होगी फिर 27 28 29 की क्लास होगी 30 की छुट्टी होगी इस तरीके से होगा तो टोटल क्लासेस कितनी होंगी टोटल क्लासेस विल बी 16 इट कैन गो अप टू 18 एक्चुअली आई हैव केप्ट इट फ्लेक्सिबल तो मिनिमम 16 क्लासेस अगर कोई ज्यादा डिस्कशन हो गया देन इट आई विल प्रोलोंग इट टू 18 क्लासेस ओके सर वो एक शक्ति डी होता है और वो कंपास वो आप हमें कैसे मतलब प्रोवाइड कराएंगे देखो अभी लॉकआउट के चक्कर में नहीं है पर अगर लॉकआउट जब तक खुल गया तो आप ले सकते हो अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन ठीक है एक्चुअली सर प्रैक्टिकल तो वो सब कुछ हमारे पास होना चाहिए ना तभी तो हमारे को इजी रहेगा नहीं इजी तो रहेगा वो मैं आपको इस पे समझा दूंगा वो आपको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा ये चल रहा है आपका लॉकआउट सर वो एलिमेंट्स वाला एक वो डी आता है वो गोल सा होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं शक्ति चक्र कहते हैं उसको शक्ति चक्र होता है 500 है ना वो होना चाहिए नहीं मस्ट नहीं है आना चाहिए आपको समझ जाएगा और आपको मैं एक्सरसाइज भी दूंगा आई विल गिव यू एटलीस्ट 3 एक्सरसाइजेस ठीक है एज ए होमवर्क वो करना होगा और दूसरा आई विल टेल यू द वे आउट ठीक है और देन आई विल गिव यू सम क्विजेस ये देखने के लिए कि आप लोग कितना सीख रहे हो उसका मैं रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करूंगा बस यू कैन क्रॉस चेक योरसेल्फ कि आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो शक्ति चक्र के बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कंपास के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट ओके
और किसी जिसको कोर्स ज्वाइन करना है वो मुझे पर्सनल उसको कांटेक्ट कर सकता है। सर इन दोनों क्लास को अलग अलग रखिए सर, केपी और दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाऊंगा ना, तो मैं दो जगह कैसे पढ़ाऊंगा। नहीं सर मतलब सेम डे में भी सर थोड़ा सा हो जाए सर, सेम डे में नहीं। नहीं सुनो, छह दिन का तो गैप है क्योंकि केपी 19 से होगा और ये होगा 23 से, और उसके बाद जो तीन तीन दिन में जो गैप बढ़ेगा ना, तो मैं ऐसे रखूंगा ये आपस में क्लैश ना करे, डे भी क्लैश नहीं करेगा। डे ना करे तो अच्छा है सर, सेम डे में भी सर होगा तो भी दिक्कत है। नहीं मैं डे हटा दूंगा, मैं कर दूंगा अगर। तो दोनों साथ भी कर सकता है। आई हैव टेकन योर पॉइंट, ये दोनों क्लैश नहीं करेंगे, एक दिन में एक ही होगी। ठीक है सर, ओके पॉइंट, आई हैव टेकन योर पॉइंट, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ओके आई एम साइनिंग ऑफ, ओके।